लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स, थैंक यू अंकल। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, स्वीट प्लीज। सर, आपको नौकरी मिल गई क्या? इसीलिए मिठाई बांट रहे हैं। मुझे सुनकर अच्छा लगा। इस बड़े शहर में बस की सवारी करने में मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। क्यों, एक्सीडेंट होगा या फिर ब्रेक फेल हो सकता है, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं सर, उसका मुझे डर नहीं है। बस मैं जैसे ही टिकट चेक करने वाला चढ़ता है, मैं वैसे ही बस से उतर जाता हूँ सर। पकड़ा जाऊंगा इसी बात का डर लगा रहता है सर। क्या है कि मुझे विदाउट टिकट ट्रेवल करने की आदत है। क्या फालतू आदत है, जाओ यहाँ से। थू, मैं इसे पैसे बचाने के लिए सिखा रहा हूँ और ये मुझ पर ही थूक रहा है। कैसा आदमी है ये। हाँ दम, वो भी 2.5 रुपए का। ये आखिर मिठाई क्यों बांट रहा है? ये तो इधर ही आ गया। हेलो। ये पकड़ो। क्या पकड़ूं? ये पकड़ो। ये क्या है? 2.5 रुपए दम। तुमने ही दिया था ना? मैं पीता नहीं हूँ, मेरा टिकट निकाल दो। टिकट? अच्छा भाई, बस आ गई, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ, अरे रुको 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 रुको। हे, मेरी भी टिकट ले लेना। रे रुक जा यार। और किसी को टिकट चाहिए क्या? मुंह तो देखो इसका। टिकट वो निकालेगी सर। इसे भगवान ही बचाए। 8 बजे आने वाली बस पूरे 9 बजे आ रही है। अरे, टिकट चेक करने वाला आ गया, मैं ऐसे निकल लेता हूँ। भैया टिकट उस लड़की ने निकाली है। कुमार सर, उस लड़की के पास 2 टिकट है। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। टिकट 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 दिखाओ, टिकट लाओ, टिकट दिखाओ मैडम। टिकट दिखाओ तेरी, तुझे तो जेल दिखाऊंगी। अरे भाई, उस लड़की ने तो एक ही टिकट दिखाई। हाँ? ऐसा है क्या? रुक जा, अभी देखता हूँ। तुम्हारी टिकट उसके पास नहीं है, नीचे आओ। नीचे आओ सर, उस लड़की ने निकाली थी सर। अरे नहीं निकाली है, नीचे आओ। सर हाथ छोड़िए ना, उस लड़की ने निकाली थी सर। बता कौन सी लड़की, दिखा मुझे, बताइए इनमें से कौन सी है। बताना। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस वाली सर। क्यों मैडम, मैडम सुनिए सुनिए, यहाँ आपने इसकी भी टिकट निकाली है क्या? अरे वहां क्या दिख रहा है, यहाँ देख। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं ये कौन है। किसी अजनबी की टिकट भला मैं क्यों निकालूं? टिकट नहीं ले रहा, ऊपर से लड़की को फंसा रहा है। टिकट नहीं खरीद सकता है तू? चारी लड़की को फालतू में फंसा रहा है तू। सर नहीं सर, तुझे फाइन देना होगा। चल उस जीप में बैठ, चल। चल फाइन निकाल, फाइन निकाल, चल जल्दी पैसे दे। अब परेशान हो रहा है, लड़की का पीछा करेगा। 2.5 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकता है तू। चुपचाप यहाँ से निकल जा, चल जा, जा निकलना।
for liberation, government. Hello? Hey, mister. For liberation, government send what you remember. ऐसे धक्का मार के कहाँ जा रहे हो? Oh, one minute, huh? गलती की है तो सॉरी नहीं बोल सकते क्या? तुम जैसी परी से टकरा के कोई सॉरी कैसे बोल सकता है? मैं वंस मोर बोलू क्या? ओ जय जय शिव शंकर। क्या बे, इतना भक्ति भावना क्या दिखा रहा है बे? ये अपनी एरिया में है ना, गुड नेम बना के रखना चाहिए। ए, वो शकीला मूवी में लड़के कितने पागल दिख रहे थे। हाँ, सही कह रही हो तुम। और नहीं तो ए, ये चाबी पकड़, सुनना कहाँ भाग रहा है, रुकना, रुक जा। सर गुड मॉर्निंग सर। है सर, आप ही ने लिखी है ना वो किताब एकलव्य? हाँ, मैं भी सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। हाँ सर, मैं भी हूँ। मेरे काम के कदरदान तुम जैसे नौजवान भी है, ये जानकर तुम्हें गले लगाने का जी चाहता है। सर मुझे आपका हर काम पसंद है सर, और वो साप्ताहिक पत्रिका में आपके छपने वाले सारे लेख मुझे याद है। ऐसा क्या? तो फिर बताओ मुझे कि मेरा कौन सा काम तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया, बताओ बताओ। हाँ सर रुकिए, बताते हैं। आपकी तीसरी बेटी कविता सर। देख तेरा बाप आया। तो सुनो, कांची में पढ़ने गई थी लड़की। ये लो बिना। For every action there is an equal and apple reaction। कौन बोला? अरे न्यूटन का तीसरा लॉ है। ये बुड्ढा तो अपनी तरफ आ रहा है, देख। सच कह रहा हूँ। हाँ यस सर। किसे देखकर सिटी मारी? अरे सर आपको देख के नहीं मारी, उस लड़की को देख के सिटी मारी। आप जाइए ना सर, वो मेरी बेटी है। अरे कांग्रेचुलेशन सर। हाथ छोड़ मेरा। अरे नालायक, मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेटी को देखकर सिटी मार रहा है, ऊपर से कांग्रेचुलेट कर रहा है। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ रे। सर, पुलिस सर, पुलिस। जाने दीजिए ना सर, आपकी बेटी को सीटी मारी तो आपको टेंशन होने लग गया। आपके पीठ पीछे वो क्या क्या करती है आपको पता? क्या करती है? लव करती है सर। लव करती है? तो इसमें तो शौक क्यों हो रहे हो? लवर यहीं पर है, ये रहा। ये लवर है, कीड़े की तरह दाढ़ी है इसकी। सर क्या बुराई है इसमें, रोजा जैसा दिखता है देखो। इसे अपनाते हुए आपको कष्ट हो रहा होगा ना सर? बिल्कुल नहीं। दामाद जी, भाग गए नालायक। दीवाना तेरा दीवाना। हाय नायर। ए नायर, अम्मू कुटी कहाँ है? सर वो नहीं आई है। अरे वो नहीं आई है तो तू चाय बना ना। अच्छा तो चाय लाइट चाहिए या कड़क? बिल्कुल कड़क चाहिए, कड़क बना। ए, मुझे मुमताज चाय चाहिए। अब ये मुमताज चाय क्या है? बिना छानी हुई रे। और अपन के वास्ते शकीला टी बना। अब ये शकीला क्या है? ये बोल रहा है कि काली चाय, जिसको मलयाली चाय भी बोलते हैं। ए भगवान बचाओ इनसे। इतने में डर गया? अभी तो और भी बाउंसर आना बाकी है। अभी और क्या बचा है? तेरी एक चाय को हम पांच लोग मिलकर पियेंगे, है ना भाई बजरंग बली? अरे वो चाय नहीं पीते हैं, उनको तो वड़ा और मक्खन का भोग लगता है। ए साइड में खेलना, अपने आप को सचिन समझता है। अबे इसकी तो, ए जरा पकड़ इसको। अबे इसे क्या हुआ? चाय के पैसे कौन देगा? 2 लीटर डाल दो भैया। पहले बिल लेके आ जाओ। ठीक है। दिखने में तो बुरी नहीं है। ए ध्यान से पकड़ो। हाँ ठीक है। अरे क्या बात है। आगे से भी देख लो। एक्सक्यूज मी, क्या है? बैक सुपर्ब। थैंक्स। वांदा नहीं। तुम्हें बिल मिला क्या? नहीं। अच्छा वो लड़का कौन था, तुम जानती हो उसे? पता नहीं कौन था, लेकिन क्रैक जरूर था। देखो इस बैग पे हाउ इज इट पढ़ के बोल रहा था कि तुम्हारा बैग सुपर है। ए मुझे नहीं लगता वो बैग की तारीफ कर रहा था।
तो फिर वो तुम्हारे बैग की तारीफ कर रहा था। कहाँ गया वो कमीना? हे चुप हो जा, ये लो। हाय वासु। नायर, पंटर लोग कहाँ गए? 4:30 बज गया, वो लोग तो चले गए। 4:30 बज गए? हाँ। अरे यार, घर नहीं पहुंचा तो बाप कुटाई कर देगा। अम्मू, चलता हूँ। हाँ, बाय। चलो पनीर भाई, चलता हूँ। ठीक है ना वासु। सर, पापा की दवाइयाँ रेडी हैं क्या? हाँ, न्यूरोबिन कल लाके देता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो, पापा तो नहीं है, छोटे बेटे की तो कदर ही नहीं है। धनिया लेके आ, पुदीना लेके आ। क्यों रे, किधर रह गया था? पापा को कुछ भी बताना मत, हाँ, बोल देना मैं टाइम पे आ गया था। ये लो, घर का सामान, पापा की दवाई और ये पेपर। तेरा भाई ऊपर है, जाके उसको दे दे। जाते जाते पानी भी ले जाना। ठंडा पानी ना, दे दूंगा महाशय को। ए ब्रदर, ये ले। तेरी पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला ब्रदर। 16-17 साल से मैं पापा की उम्मीदों पर पानी फेर रहा हूँ, तेरा तो प्रमोशन होना चाहिए। अबे ऐसे घूर क्या रहा है मुझे? वैसे भी सारा दिन अपना मुंह किताबों में घुसेड़े रहता है, ये देख के पापा को लगता है कि एग्जाम में तू पहला नंबर निकालेगा। ए हाँ, चल निकल यहाँ से। मैं तो निकल रहा हूँ, पापा बीपी पेशेंट है, वो ना निकल जाए। ये पानी हरा क्यों है? हाँ भाई, ये क्या है? हरा पानी किस लिए? अगर गलती से फ्यूचर में तू बड़ा आदमी बन गया तो पढ़ाई करते समय छोटे भाई ने तुझे पानी की एक बूंद तक नहीं पिलाई, ऐसा कह के मेरी बदनामी ना करें, इसलिए हरा पानी दिया है तुझे। ये छोटा कभी नहीं सुधरने वाला। माँ, मैं एग्जाम के नोट्स लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ए झूठ क्यों बोल रहा है? तू चंदू के घर जा रहा है ना? अरे नहीं माँ। क्या नहीं, मैं तुझे जानती हूँ। ए वो एकदम गया गुजरा लड़का है, तेरे भाई की क्लास में था, अब तेरे साथ घूमता है। तुझे उससे इतना क्यों लगाव है? कोई काम नहीं करता, किसी बात की जिम्मेदारी नहीं उठाता, ऊपर से पता नहीं क्या क्या खाता है। माँ, और तू है? मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, पापा पूछेंगे तो बोल देना है कि अभी अभी गया है, चुगली मत लगा देना। शिकारी शिकार करने निकला है क्योंकि रास्ते में किसी छिछोरे ने मेरी बहन को घेरा है। पर वहाँ गद्दारों का घेरा है, मेरे पहुँचते ही उन्होंने पत्थर से मेरा सिर फोड़ा है। कौन है वो गद्दार? क्यों है वो गद्दार? कौन है उनका सरदार थलेवा? वो कौन है? झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया। इस रॉकफोर्ट चंद्रू ने कभी छल नहीं किया, कपट नहीं किया, आज नहीं किया, कल भी नहीं किया। न कभी मेरा बड़ा भाई बनने की इच्छा थी, पर जब माँ बाप ने जबरदस्ती भाई बना दिया तो गम नहीं है। पर अब इस अमावस के चांद को रोना आ रहा है थलेवा, इस अमावस के चांद को रोना आ रहा है। इसका भी एक कारण है, बनारसी साड़ी में लिपटी हुई मुंबई की हसीना को मुझे देखते ही पसीना आ जाए, ऐसी शक्ल मैंने पाई है। पर फटे हाल भिखारिन भी मुझे भाव नहीं देती। दोष है मेरे माँ बाप का जिन्होंने मुझे ऐसा पैदा किया, लेकिन मेरी बड़ी आंखों वाली बहन के कोरे रंग को देखकर गली के सारे छोरे उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं हूँ रॉकस्टार चंद्रू। रॉकफोर्ट ही फिसल गया। ओके, हेल्प मी सिस्टर, हेल्प मी। It's all in the game, बहना। Feet slip on the elephant. क्या बोला? बड़ा हाथी भी गिरता है, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं ढक्कन कहीं की। ओके, where is my rock fort, mummy? किचन में है। ओके, अगर वो पूछेगी तो क्या बोलोगी? क्या बोलूंगी? बोलना जंगली भैंसा पकड़ने गया हूँ, जल्दी से वो कवर दो मुझे, अभी उसको अपनी पावर दिखाता हूँ। ए चंद्रू, वाओ, बैठ सिंगर। कहाँ जा रहा है तू? नॉनसेंस। ओहो, नीचे वासु आया है ना, अब पूरे शहर में आवारा की तरह घूमोगे तुम दोनों। तो तुमको भी घूमना है क्या? बताऊँ मैं, जाके थोड़ा पुण्य कमा लो। ब्लैक पैंथर कब आ रहा है? देख बेटा, वो एक आवारा लड़का है, अगर तू उसके साथ घूमेगा ना तो तेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं तो समझा समझा के थक गई। टीवी एक्ट्रेस की तरह लंबे लंबे डायलॉग मत बोलो, सीधे मुद्दे पर आओ। आई हैव लॉट ऑफ वर्क। सच कहूँ तो दुनिया की सारी बुरी आदतें हैं उसमें। इट्स ऑल सीक्रेट ऑफ वासुस एनर्जी, डोंट टच दैट। वासु का फ्रेंड होने में क्या बुराई है? कितना हॉर्न बजा रहा है देखना। सुन, अगर तू उसके साथ गया ना तो तेरे बाप से बोल के तेरी सारी पॉकेट मनी कट करवा दूंगी। जब पॉकेट ही नहीं है तो मनी कहाँ रखूंगा? आ गया तेरा दोस्त, तुझे लेकर ही जाएगा यहाँ से। अबे वासु, कितना बेइज्जत होगा तू। उस लड़के की तो न घर में इज्जत है, न ही मोहल्ले में इज्जत है। उसके साथ रहेगा तो तू भी बिगड़ जाएगा। मम्मी, कंट्रोल योरसेल्फ, वो मेरा फ्रेंड है। ओ फ्रेंड है, बड़ा आया फ्रेंड। बम्बई से आया मेरा दोस्त,
दोस्त को सलाम करो। देखो बेटा, उसे अपने घर पे नहीं बुलाया। अरे वासु, तू आ गया। माँ अभी तेरी तारीफ कर रही थी। माँ देखो ना, वासु आ गया। हेलो माँ। हाय विद्या। हाय। आओ बेटा, कैसे हो? इस बार तो बहुत दिनों बाद आए। देखो इसका। ये क्या बेटा, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो गए हो? इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। सुनो बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो तो कुछ खा के ही जाना। क्या लोगे, चाय या कॉफी? माँ बोर्नविटा पिला दो ना। मैं घर से खाना खा के आया हूँ माँ, थोड़ा ठंडा पानी पिला दो बस। ए, नीचे क्यों? अरे माँ को तो जाने दे, बुढ़िया को समझ में आ गया क्या? इसके साथ गया ना तो टांगे तोड़ दूंगी। इसको अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए बोल, नालायक कहीं का। ए, अबे देख क्या रहा है, टाइम हो रहा है, चलना अभी। माँ! ए, ए, चिल्लाएगी ना तो आंखों से गोटियां खेलूंगा। ए चंद्रू। ओके मम्मी, बाय, सी यू। मम्मी सॉरी। चल चल जा रहे ना, जा तू घर वापस तो आ, तब मैं बताती हूँ। ए भाई, तेरे घर आने से पहले ना माँ तुझे निकम्मा बोल रही थी, गैर जिम्मेदार बोल रही थी, बेकार, गंदा और पता नहीं कैसी कैसी गालियाँ दे रही थी, निठल्ला लड़का बोल रही थी, मुझे धमकी दी तेरे साथ ना घुमा करूँ। अगर तूने सुना है तो बुरा मत मानना यार। चल छोड़ना, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है यार, वो बोल रही थी कि मैं सीधा साधा लड़का हूँ, मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है। वो तो ये भी कह रही थी कि मैं ठीक से केक भी नहीं काट सकता हूँ और तू आदमी को भी काट के खा सकता है। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुझे जिम्मेदार ठहरा रही थी। अबे ठीक है ना यार, इतना फील मत कर, जाने देना। नहीं भाई, तू समझ नहीं रहा है, वो तुझसे दोस्ती तोड़ने के लिए कह रही है, मुझे गाली भी दे रही थी वो बहुत, तो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा दोस्त। इतनी सी बात का बुरा मान गया तू? क्या रे, तुझे बेइज्जती महसूस नहीं होती क्या? ऐसा नहीं है यार, मेरी माँ जितना बोलती है ना, तेरी माँ उसके 2% भी नहीं है, इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता। हमारी माँ लोग ऐसी क्यों होती है यार? वैसे ये साबुन के विज्ञापन वाली प्यारी प्यारी माँ कहाँ मिलती है रे? अबे जिसके हम जैसे बेटे हो वो माँ प्यारी कैसे हो सकती है रे? ए, ऐसी बातें मत बोल भाई, इंडिया का भविष्य कौन बनाएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन इस मुंबई का भविष्य हम दोनों ही बनाएंगे, देख लेना। ए, देख देख क्या कर रहा है। अरे भविष्य बनाने से पहले ही हम लोग मर जाएंगे रे। हाँ तो अभी चुप कर। चलो चलो, यहाँ इस तरफ, यही घर है, देख। बुला के ला। ए कुमार, जाना अंदर जाके उसको बुला के ला। हाँ ठीक है। ए कुत्ता तो नहीं है ना? अबे तुझे कौन काटेगा? कौन है? कुमार। कौन कुमार? हाँ, अजीत कुमार। हाँ? मजाक कर रहे हो? क्या है, कौन चाहिए तुम्हें? उसकी बहन है अंतरा माली, दाढ़ी मुंह छुपाने के लिए हमेशा चंदन थोप के रखती है मुंह पे। मुकेश है क्या? मैं उसका फ्रेंड हूँ। तुम मुकेश के फ्रेंड हो? पर इसके पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। अभी देख लिया ना, जा उसे बुला, जा। स्टूपिड। अब एक नंबर भाई। मुकेश तेरा फ्रेंड आया है, बंदर जैसा दिखने वाला। अपन इसीलिए बोला था कि मेरे को जाने देख दो। लिया ना, इसीलिए कह रहा था कि मुझे जाने दो, मैं जाता तो ऐसी बेइज्जती नहीं होती। आप कौन है? ए, देखो वो आ गया। मैं तो नहीं जानता। वासु को जानता है ना? कौन वासु? चंद्रू का फ्रेंड वासु। कौन चंद्रू? रॉकफोर्ट चंद्रू। मायसेल्फ। आजा, इज्जत से बात करने का, समझा? जा रे। ए, देख क्या रहा, यहाँ का डॉन है क्या तू? हम गांधीनगर मार्केट के हैं, समझा क्या? ये तूने चंद्रू की बहन को कॉलेज में भेजे हुए लेटर्स, ये उसकी बहन को दिए हुए गिफ्ट्स, उसको तो पसंद नहीं है बोला है ना उसने? थोपड़ा देखना इसका, इसको पसंद करेगी? ये सब रुकना चाहिए, कंटिन्यू किया ना? तो तेरी बहन के लिए लिखे ये हमारे लेटर्स, हर हफ्ते एक लेटर कॉलेज में नहीं तेरे घर पे भेजेंगे और साथ में कुछ गिफ्ट्स भी। ए, ऐसे घूर के क्या देख रहा है बे? मैं तो साथ में ट्रिपल एक्स कैसेट भी भेजूंगा। ए, ए, बोला ना, शांत हो जा नहीं तो अंदर डाल दूंगा। ए, वेट 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 वेट, ये क्या रे, क्या ये? कूल। तू कूल नहीं है, नामक। अरे फूल बोल रहा था इसको, अगली बार तेरे गले में ये सब देखा ना, एसआर के से केआर के बना दूंगा, याद रखना, चींटी की तरह मसल दूंगा। तेरे दोस्त कैसे हैं? उन्होंने अंतरा के साथ बदतमीजी की है। इन सबका दिमाग खराब हो गया है। चलो अंदर चलो, कैसी परवरिश दी अपने बेटे को। एंजॉय करने का क्या,
एंजॉय, इसके थोबड़े पे 12 बजे देख। और नहीं तो क्या, कितना अच्छा चांस था। उस मुकेश की बहन ने चेहरे पे फेस पैक लगाया हुआ था, अगर एक बार वो मुझसे पड़ जाती ना तो तुम सबको बढ़िया सी पार्टी देता। ए, बहन का दर्द क्या होता है तुम लोगों को मालूम नहीं है? तुम लोगों का भाईपन तब जागेगा जब तुम्हारी बहन को मंदिर में घंटी बजाने वाला लड़का छेड़ेगा, बस का कंडक्टर उसको गंदी नजर से देखेगा और रोड पे खड़ा ट्रैफिक कांस्टेबल उसको देख के सीटी मारेगा। सबसे बुरा, कॉलेज में पढ़ने वाला कॉलेज प्रोफेसर उसको प्रपोज करेगा। ये सब सोच के आज मेरा दिल रो रहा है यार। आई एम फीलिंग सो बैड यार। ठीक है, तेरी फीलिंग एकदम करेक्ट है। तेरी बहन पे लाइन मारेगा तो तुझे बुरा लगेगा ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें किसी दूसरे की बहन को छेड़ने से मना करेगा। लड़कियां क्या सोचेगी कि हम लोग सब डर गए क्या? खासकर खूबसूरत लड़कियां क्या सोचेगी? यही कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद हम उनको भाव नहीं दे रहे, यानी कि हमें वो पसंद नहीं है, उनके भाई पसंद है। ये सब हमारी जवानी का जोश है। जवानी में तो सुअर के बच्चे भी प्यारे दिखते हैं, पर वो प्यारे होते नहीं है। जवानी में सुअर के बच्चे अच्छे दिखते हैं, तो जवान लड़कियां कैसी दिखती होगी? कैसी दिखती होंगी? भाई यही है वो। पढ़ने का छोड़ के, साल क्लियर किए बिना पास होने का छोड़ के तू इसके घर गया इसको धमकी देने के लिए? मार के दिखा, सुना नहीं क्या? हाथ लगा के दिखा। मुझको क्या बोल रहा था, काट डालेगा? पकड़ो उसे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरा सारा सामान तोड़ दिया। हे भगवान। भाई वो यहाँ पर है। जाओ उस तरफ देखो, चलो चलो। यार जल्दी करना, बॉल दे। पकड़ो उसे। अरे क्या कर रहा है? घेर लो उसे। अरे इस तरफ घेर लो, घेर लो। ए पकड़ो उसे। तेरी तो you
अरे भागो, भागो यहाँ से, अरे निकलो रे, निकलो यहाँ से, अरे किसी को छोड़ेगा नहीं, भागो। ए वासु, ग्राउंड में क्या लफड़ा हुआ रे? कुछ नहीं यार, वो मुकेश लड़के ले गया। तुझे पहले ही बोला था उस केआरके को मुझे तोड़ने दे, पर तूने ही नहीं माना। वो खुद को समझता क्या? टेंशन मत ले यार, मैं बताऊंगा उसे। अरे छोड़ ना यार, गांधी मार्केट नहीं आएगा क्या? घर चलते, चल चल चल, बाइक पे बैठ, चल चल ना, हमारे एरिया में आएगा ना तब देख लेंगे। चल चलते। हे राम, इतना लेट क्यों आता है? अब दरवाजा खोलना माँ। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के चला, मेरी माँ मेरा साया। पापा, गुड मॉर्निंग पापा। कितने बज गए? रात के 12 बजे हैं। कहाँ जा रहा है? क्या बकवास सवाल है पापा, घर के अंदर ही तो जा रहा था। तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा? हाँ मैं आप पे गया हूँ पापा। हर रोज डांट खाता है, ना तुझे शर्म आती है ना समझ में आता है कैसा है तू। अब मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप ने सही परवरिश नहीं की। रोज मार पीट करके कपड़े फाड़ कर घर पे आता है, अब कभी शर्ट पैंट के लिए पूछा तो बताऊंगा? नहीं पूछूंगा पापा, मेरी शर्ट 42 की है, आपकी शर्ट 42 की है, तो आपकी शर्ट पहन लूंगा और क्या। तू अपने भाई को देख और खुद को देख। बहुत बढ़िया मेरे भाई, लगे रहो। क्यों रे, मेरी बात नहीं सुनने का संकल्प लिया है क्या? बिना सुने जवाब कैसे दूंगा? तुझ पर चिल्ला चिल्ला के मेरा बीपी बढ़ गया है। दोबारा नहीं होगा पापा। क्यों, अब सुधर जाएगा क्या? नहीं, मैंने दूसरा इंतजाम कर लिया है। तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे खून में थोड़ी भी शर्म बाकी नहीं है। तू एक नंबर का नालायक, बेशर्म और बेहया है। पता नहीं मेरे घर में कैसे जन्म ले लिया। कल ही मैंने आपकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी, जब भी मुझे डांटने का मन करे इस टेप को चला देना, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। तू कभी नहीं सुधरेगा, खाना खा और सो जा। भगवान जाने कब सुधरेगा ये। क्या माँ, फिर से मूली की भाजी? चुपचाप खा ले रे। इसको ऐसे ही प्यार से खिलाती रहो, कभी नहीं सुधरने वाला। आज के बाद मैं लेट आया तो मुझे खाना मत देना। इसको एक दो दिन भूखा रहने दो, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। भूखे रहने की बात नहीं कर रहा था, मैं खुद खाना ले लूंगा। ए, ये क्या है, पापा से ऐसे बात करते हैं? पापा से ही तो बात कर रहा हूँ ना माँ। तो कभी नहीं सुधरेगा, चुप हो जा और खाना खा ले। सब्जी में मिर्ची ज्यादा है माँ, पापा के कहाँ से धुआं निकलेगा। डब्बा रेडी है क्या? रेडी है जी, सिर्फ खाने के लिए आता है। माँ पैसे का पूछना। राम स्वामी का फोन आएगा तो बोलना ऑफिस में हूँ। हाँ। तेरे ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है मुझे, लेकिन तेरी मदद लेने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। आज मेरी 9 बजे जनरल मीटिंग है, गणेश अभी ऑडिट में बिजी है, ये ले 3000 रुपए रख ले। हाँ, मेरे सामने पहले गिन कर दिखा, बाद में 200 रुपए कम है, 500 रुपए कम है करके फोन मत करना। 3000 है पापा। सीधा स्टेट बैंक में जा, डायरेक्टर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चेन्नई के नाम से एक डीडी बनवा कर ला, समझ गए ना? समझ गया पापा। कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक। किसके नाम पर? डायरेक्टर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चेन्नई 1। सही है, भूलना मत। हाँ ये ले, ये डीडी का कमीशन है, 50 रुपए हमेशा की तरह बर्बाद मत करना, समझ गया? ये तेरे भाई के भविष्य की बात है, उसके प्रमोशन एग्जाम के लिए डीडी बनवा रहा हूँ, ये पैसे फालतू में उड़ा मत देना, ठीक है ना? ठीक है पापा। आज शनिवार है, 12 बजे से पहले आ जाना। ठीक है पापा। डीडी बनवा कर मेरे ऑफिस में चले आना। हाँ ठीक है, आपके लिए ऑटो लेके आता हूँ। हाँ हाँ, गणेश आ रहा हूँ पापा। मुझे ऑफिस भेजने के लिए कितना उत्सुक है देखा ना। ऑटो रेडी है पापा। इतनी जल्दी ऑटो मिल गया? ऑटो वाला तेरा दोस्त है क्या? नहीं पापा। तो शायद कोई अच्छा आदमी होगा, चलो मैं जाता हूँ। ऑल द बेस्ट भाई। अबे जाता है कि नहीं? आपको वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। माँ देख लिया ना माँ, पापा ना टू मच थ्री मच नहीं ओवर मच इंसल्ट करते हैं मेरी। उसमें उनकी गलती थोड़ी है। बुढ़ापे में देखना मैं ही संभालूंगा। रहने दे, एक ग्लास पानी पिलाने में तेरे हाथ दुखते हैं, जा अपना काम कर। देखना हर कमरे में वाटर प्यूरिफायर लगवा दूंगा।
10 साल बाद ना इसी मुंबई के हर कॉलेज में मेरे ही मिसाल दी जाएगी। मेरे सम्मान में स्टैचूज बनाए जाएंगे। अच्छा। देखना, दिल्ली से प्रधानमंत्री मुझे मिलने के लिए आएंगे। जनता के लिए रखे हुए फंक्शन में तुम और पापा मुझे मुख्य अतिथि के रूप में देखकर पूरी तरह से चौंक जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 साल बाद मैं बहुत बड़ा महान इंसान बनने वाला हूँ, तो थोड़ी मेरी इज्जत करो माँ। क्या ढूंढ रही हो माँ? झाड़ू यही रखी थी मैंने, पता नहीं कहाँ गई। तेरी कोई कदर ही नहीं है वासु। अरे बैग पार्टी, उस दिन तो गोरी लग रही थी, कलर ही उतर गया, करपली कही। ओ ये चश्मा काला है, लेकिन ये मेरे एरिया में क्या कर रही है? ये तेरे भाई के भविष्य का सवाल है, कुछ गड़बड़ मत करना। अभी 20 मिनट और बाकी हैं। 10 मिनट भी उसको फॉलो किया तो बाकी के बचे हुए 10 मिनट में डीडी तो आराम से बन जाएगा। वासु ज़ूम। हे, तू है? मेरी बात ध्यान से सुन, मेरा पीछा किया ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तेरी। मवाली अभी चप्पल से मार खाएगा। स्टूपिड। बैग पार्टी, बैग, बैग पार्टी, बैग। शक्ल से ही बदमाश लगता है ये, इडियट। हेलो, हे, हे, अरे ऑटो। Shit! हेलो, हेलो। बहुत जोर से चला रही थी, अभी बेहोश हो गई। कच्चा नींबू लगता है। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे यार अभी क्या करूं इसका। Excuse me, sir. ये दवाइयाँ अर्जेंटली चाहिए, 4,000 की हैं, जल्दी ले आइए। ये तेरे भाई के भविष्य का सवाल है, कुछ गड़बड़ मत करना। इतना क्या सोच रहे हैं सर, जल्दी लेकर आइए सर। नहीं, वो मेरे पास सिर्फ 3,000 ही हैं। ये बात है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बैलेंस अमाउंट डिस्चार्ज के टाइम दे देना। ओके? डोंट वरी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस मामूली सी खरोच आई है, 2 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ओके? ओके सर।
सुपर बैग, नाउ इन बैड कंडीशन। अच्छा माइला, पूरा फैंसी स्टोर लेके घूमती है ये। आंटी ओके है, ये लड़की भी ठीक ठाक है। ये टकला 17 साल का दिखता है और 20 साल की लड़की का बाप है। चलो अपने को क्या करना है। विजय लक्ष्मी एलियस विजी, डॉटर ऑफ नारायण स्वामी नायडू श्रीरंगम। अरे ये तो अपनी वाली है। हेलो। क्या यार, फोन उठाने को इतना टाइम लगता है क्या? फोन आएगा तभी तो उठाऊंगा ना, आने के पहले कैसे उठा सकता हूँ मैं। लगता है बूढ़ों की गरम खोपड़ी है। हाँ गुड इवनिंग, नारायण स्वामी जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ नारायण स्वामी ही बात कर रहा हूँ, बोलो। CSI हॉस्पिटल रूम नंबर 204 में आपकी बेटी विजी एडमिट है। राम, वो अस्पताल क्यों चली गई? मैं तो उसे कब से ढूंढ रहा था। हा? उसको क्या हो गया बताओ? अरे कुछ नहीं हुआ है नायडू सर, खुशखबरी है, आप 7 महीने बाद नाना बनने वाले हैं। क्या क्या, 7 महीने में नाना बन जाऊंगा मैं? हाँ, आपकी बेटी को 3 महीने चढ़े हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी तो शादी भी नहीं हुई है। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अच्छा सुनो, गर्भवती होने के लिए शादी की जरूरत नहीं पड़ती। पता करो वो लड़का कौन है। लक्ष्मी हाय। सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ जी? अच्छा बताओ तो तुम कौन बोल रहे हो? वो डॉक्टर अकबर घोष। उसे इतनी छूट दी, ये मेरी गलती थी। सुनिए अपना मुंह बंद करिए और अंदर चलिए, दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, रात को तो पूछो ही मत। पेंशन पार्टी एंटर्स। डॉक्टर बुला रहे हैं। डॉक्टर, मेरी बेटी कहाँ है? अरे मैं वार्ड बॉय हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं किस किस से पूछ रहा हूँ। बेटा मेरी बेटी कहाँ है? उनका नाम क्या है? विजी विजी। रूम नंबर 204 सेकंड फ्लोर पे जाइए, उस तरफ नहीं इस तरफ जाइए। अच्छा इस तरफ, चलो। बस अभी पहुँच रहे होंगे। 101, 102 इधर है, 204 किधर है? अरे क्या कर रहे हैं, ध्यान से चलिए इस तरह। पता नहीं क्या हालत होगी। 3000 दिए, चिवड़ा तो उठा लो। ये यही कमरा है। मुझे 3000 रुपए नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये बता दो कि तुमने वो पैसे कहाँ खर्च किए। तुम दोनों बताते हो कि मैं इसे बिना मतलब का डांटता रहूं। मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूं, बता दो ना, वो DD बनवाना कितना जरूरी था ये तो तुम्हें पता है ना? उसके बावजूद तुमने वो 3000 रुपए कहीं और खर्च कर दिए। मैं जानता हूँ सही जगह पर खर्च किए होंगे, उसे मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन बताओ तो सही। पापा क्या पूछ रहे हैं, अभी मुंह खोल के बकेगा भी कि क्या किया? इसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तूने पढ़ाई पूरी की? देख ये कितना जिम्मेदार है, अब ये CA के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तू कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ले। सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाता है, दिन भर घूमते रहता है। तेरे साथ घूमने वाले किसी एक दोस्त का नाम बता दे जो अच्छा काम करता हो, सबके सब नालायक। तू खाता तो अनाज ही है ना, उसके बावजूद आवारा गर्दी करते रहता है। ये सब भी रिकॉर्ड करना चाहिए था। मेरी बात सुनो, मैं इसे 10 मिनट का टाइम देता हूँ, ये ईमानदारी से बता दे कि पैसे कहाँ खर्च किए। अगर ये नहीं बताएगा तो फिर मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूंगा। तब तक मैं बाहर से आता हूँ। गए क्या? छोटे मुझे ना एक डाउट है। पापा तुझे इतना कुछ बोल के गए हैं, तुझे टेंशन नहीं होती? इतना कूल कैसे है तू? जब कोई अपना धर्म निभाता है तब टेंशन नहीं लेता है वासु। क्या बोल रहा है तू? ए, वो मेरे पापा हैं, मैंने गलती की है तो मुझे डांटना उनका धर्म है ना। वो अपना धर्म निभा रहे हैं इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है, लेकिन तेरा DD नहीं बना पाया उसका दुख जरूर है। वो जाने दे, तूने पैसे का क्या किया? किसी को बताएगा तो नहीं ना? किसी को भी नहीं। देख मेरा भरोसा तोड़ना मत। नहीं तोड़ूंगा। पैसे लेके जैसे ही निकला ना। हां बहुत बढ़िया, दिखती कैसी थी? अच्छा ये बता कि वो शादीशुदा है या नहीं? थू, पागल हो गया है क्या? कितनी गिरी हुई हरकत है वो। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, वो कैसी है, उसको लगी तो नहीं, ये पूछने का छोड़ के उसका प्रोफाइल पूछ के बताना। नाम और एड्रेस तो देखा लेकिन अभी याद नहीं है, अभी हॉस्पिटल में है। ठीक है वो ठीक है। उसके बाद तूने मुझे ऑफिस में फोन क्यों नहीं किया ये बता, मैं तुझे पैसे दे देता, कम से कम पापा से डांट तो नहीं खाता ना तू। अबे तेरे पास 3000 कैसे? तू तो अपनी सारी पगार पापा को दे देता है और हर रोज 10 रुपए पॉकेट मनी लेता है। हाँ, पापा को पता नहीं कि मुझे ऑफिस में ओवर टाइम मिलता है, मैंने उसी से पैसे बचाए हैं। ए पापी लड़के, पापा को बताए बिना पैसे जमा कर रहा है, और हमारा बूढ़ा बाप तुझ पर कितना भरोसा करता है। अरे पापा देखो भाई को। मैं तो तुझे बचाने का आइडिया दे रहा था, तेरा कुछ नहीं हो सकता। बताना जाना तू।
सुन। क्या? मुझे एक और डाउट है। बोलना। अभी 5 मिनट बाद पापा फिर से तुझसे पूछेंगे, तू तो बताने वाला है नहीं। अगर उन्होंने तुझे घर से निकाल दिया तो तू क्या करेगा? आधी जायदाद मांग के घर से बाहर निकल जाऊंगा। पापा से जायदाद कैसे मांग सकता है? क्यों? तू सब अकेले डकारना चाहता है क्या? अबे ऐसे घूर मत, तुझे तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलनी चाहिए। तेरे पढ़ाई के चक्कर में मेरा भी हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। ची, पता नहीं किस तरह का भाई है तू। जाना। तो कहीं और पैदा हो जाता, मेरा भाई बनने के लिए कौन बोला था? कल रात को ना हॉस्पिटल से लौटने के बाद पापा को समझाते समझाते रात के 2 बजे वो इतनी देर तक तेरे से पूछताछ ही करते रहे। सुनिए सर। मेरा नाम वंडर गर्ल है, तिरुपति को चल के जाऊंगी, ऐसी मन्नत मांगी थी। आपकी जो इच्छा हो उतना दान दे दो, देखना भगवान आपका भला करेगा। तिरुपति चल के जाना चाहती है ये मराठी लड़की, और दान की इच्छा हमसे रखती है। गोविंदा गोविंदा। मेरी उम्र 27 साल है, पर अब तक शादी नहीं हुई। शादी के लिए रिश्ते आते तो है, पर शादी के लिए कोई तैयारी नहीं होता। ये कहना क्या चाहती है? शाहरुख खान के साथ में लुंगी डांस डांस करना चाहती है। बकवास कर रही है, 27 साल की उम्र हो गई है इसकी, अभी तक शादी नहीं हुई है। जो भी देखने आता है इसको देख करके भाग जाता है और वापस ही नहीं आता। ऐसी शक्ल देखकर कोई वापस आ सकता है क्या? अरे कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूँ ना। पागल है क्या? एक नंबर भाई, तू इधर रुक, मैं जाके माला और मंगलसूत्र लेके आता हूं। जल्दी रुको रुको रुको, प्रार्थना के लिए पैसे चाहिए। ए ए ए रुक, ये क्या बोल रही है? अरे क्या बोला इसने? तुझे शादी करनी है ना, तो मैं करता हूँ ना। शादी करनी है ना तो कहाँ करेगी बता? पुलिस स्टेशन में करेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में करेगी, आर्य समाज मंदिर में करेगी, या नदी किनारे करेगी? बता बता किधर करेगी? रुक रुक, जाने दे कुंवारी मरे। अबे पिछले 3 सालों से लोगों को बेवकूफ बना रही है, आज इसको नहीं छोड़ेंगे। चल चलते, अरे पकड़ो, इसका धंधा बंद करेंगे। चल पकड़ो। माँ, एक खुशखबरी है माँ, मुझे ना निफ्ट में जॉब मिल गई है, पर चेन्नई में। हमारे मना करने के बाद भी तूने अप्लाई किया ना, अब देखो चेन्नई जाना है। माँ प्लीज माँ, बाद में तो शादी करनी है, इसके बाद आपके और पापा के पसंद के लड़के के साथ शादी करके आपके जैसी घरेलू औरत बन जाऊंगी, प्रॉमिस। किस लिए? काम करके किसका घर संभालना है तुझे? हमारा घर संभालना है। देखो अपने पापा से पूछ लो, इससे पी लो, मैं गर्म पानी लेके आती हूँ। हेलो, ये विजयलक्ष्मी बोल रही है? जी बोल रही हूँ। मैं वासु बात कर रहा हूँ। वासु? कौन वासु? हे, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तुम्हारा पति वासु। ओह, तो आप हो जी, आपका एड्रेस भी बता दीजिए ना। घर पर आने की क्या जरूरत है, तुम तो फोन पर भी थैंक्स बोल सकती हो। थैंक्स नहीं बोलना था, तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करनी थी। क्या कहा? पुलिस में कंप्लेन करोगी मेरी? मैं ठीक से गाड़ी चला रही थी, तुमने पीछा किया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तो क्या? और हस्बैंड को ऐसा बोल करके डॉक्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दी। हाँ। क्या? हाँ, हॉस्पिटल का बिल 18,000 हो गया है और तुमने सिर्फ 3,000 भरे हैं, बाकी का क्या तुम्हारे पापा भरेंगे? इज्जत से बाकी के 15,000 लेके आ जाओ, नहीं तो पुलिस आएगी तुम्हारे पास। ए, मेरे पापा क्यों भरेंगे? तुम्हारा टकला बाप है ना भरने के लिए, उसको बोलो भरने के लिए। ए, इज्जत से बात करो। काहे की इज्जत? उस दिन रोड पर छोड़ देता ना तो अब तक राम नाम सत्य हो गया होता। लुक, दिस इज टू मच। ए, काहे का टू मच? हाँ, एक तो तू मुझे पुलिस की धमकी दे रही है, 15,000 रुपए मांग रही है मेरे से। तेरे घर वालों ने तुझे लोगों को लूटना सिखाया क्या? हे, मेरे परिवार के बारे में और मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोलो ना। बोलूंगा तो क्या कर लेगी? लड़कियों की संख्या वैसे भी कम है, जिस वजह से देश में कई नेता कुंवारे रह गए, और तेरे पापा नाना बनने की उम्र में पापा बन गए। ए पागल, तुझे उनके बारे में क्या पता है? हाँ, तेरी परवरिश देख के पता चल जाता है। बेवकूफ, वो एक रिटायर्ड टीचर है। क्या बात है, दुनिया का सबसे आसान काम है। तेरी तरह अनपढ़ नहीं है वो। तेरे बाप जैसे टीचर इस देश में होंगे तो कोई कैसे पढ़ सकता है? अब तो ये भी पता चल रहा है कि जब तेरे बाप ने तुझे ऐसी शिक्षा दी है तो बाकियों को क्या सिखाया होगा? तेरे पापा से पढ़े बच्चे अभी बहुत पछता रहे होंगे और मुंबई में एरिया में भाई बन के घूम रहे होंगे। हे, वो ट्यूशन लेके लोगों को लूटता था और तू 2-व्हीलर से लोगों को लूटती है। सी, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। ए, मैंने कौन सी लिमिट क्रॉस की? ए, वही लड़की है क्या? कौन सी लड़की? हेलो, एक थर्ड क्लास बोलना। वही एक्सीडेंट पार्टी? नहीं, वो फ्रेंड है। फ्रेंड है क्या? पर आवाज तो लड़की की आ रही है। अरे हाँ, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ ना मैं। गर्लफ्रेंड है? कौन है वो? डर गया क्या? तू नहीं समझेगा यार। कोशिश तो कर, मैं समझ जाऊंगा। अरे ये जाएगा नहीं, इसको बता ही देता हूँ। मैं इससे बात कर रहा हूँ। सच में तू इससे बात कर रहा है? अरे यार,
ये तो यूएसए में रहती है, आईएसडी की वजह से बिल बढ़ जाएगा। पापा को पता चला ना तो तेरी। ए, मैं कॉल करूंगा तब बिल आएगा ना। मतलब उसने मुझे कॉल किया है। अच्छा उसने तुझे कॉल किया है। ए, सुनना मुझे भी बात करने देना प्लीज छोटे। हे प्लीज देना, मैंने कभी जिंदगी में लड़की से बात नहीं की, प्लीज देना। देख बड़े भाई, पापा को तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं उन्हें देख लूंगा, तू पहले फोन दे। चल फोन दे। जैसी तेरी इच्छा। हेलो, तू सुन रहा है ना? देखना आज एक भिखारन तुझे चप्पल से मारेगी, जुलाब करने बाथरूम में जाएगा तो अपनी टट्टी में गिर जाएगा, रेबीज वाला कुत्ता तेरा पिछवाड़ा खा जाएगा, और देखना तेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तेरा बाप पागल होके रास्ते पे भागेगा, तू रोड पे बैठ के भीख मांगेगा, याद रखना कचरा उठाने वाली गाड़ी तेरे ऊपर गिर जाएगी, तू कचरे में दबके मर जाएगा। हे तू सुन रहा है कि नहीं? अगर बच गया ना तो मैं तुझे ढूंढ के तुझे जेल में डालूंगी और वहां आके तुझे चप्पल से मारूंगी। तू लड़कियों में भी अच्छी लड़की तो नहीं ढूंढ सकता था क्या? चल तेरा जैसा भाई भगवान किसी को ना दे। तू इससे अच्छा मैं अकेला ही पैदा होता। हेलो इडियट। ए मेरी केरला की हसीना, चल जल्दी से चाय बना। अरे यार, चाय बना। मुझे एक डाउट है। क्या है? केरला की ब्यूटी हमेशा सिल्क की लुंगी क्यों पहनती है? इसका 2-in-1 पर्पस है। वो क्या है? एक धोती खरीद के मियां बीबी दोनों पहन लेते हैं यार, केरला में ये आम बात है। अरे देख क्या लड़की आ रही है। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आपका एड्रेस 19th 8th Cross Street कोलीवाड़ा वसई है? हाँ, क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें लव लेटर भेजना था इसलिए एड्रेस कंफर्म करा था। ए झंडू, मुझे लेटर भेजने से पहले अपने जिप ठीक से चढ़ा लो। ये ए वेट वेट, ए शेम शेम पप्पी शेम। ए झंडुओं, वो मुझे नहीं तुम्हें बोल कर गई है, नीचे देखो मुझसे पंगा। हाय 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 वासु, क्या बोलते हो, स्टार्ट करें क्या? हां चलना। ओह हाय मिस्टर शिवम, हाउ आर यू? नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू। तू ऐसे कपड़े पहनकर आया है, तुझे सिर्फ फील्डिंग मिलेगी। शुरू करने से पहले हम तुझे एक छोटी सी ट्रीट देंगे। ट्रीट? अमु करियर रेडी है? हाँ रेडी। क्या भाई लोग किस बात की ट्रीट दे रहे हो? ए भाई मेरी केरला की हसीना, ग्लैमर थोड़ा ज्यादा हो गया है। कोई नहीं, थैंक यू। ये इतना वजनदार क्यों लग रहा है रे? अभी अपने ही बाप का माल चुराने लगे क्या? हाँ खोल कर देखो हजम होगा कि नहीं। आबरा का डाबरा खुल जा सिमसेम। खिचड़ी? खिचड़ी, वो भी बिना घी की। पत्थर? ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन? ए इसको दे। इसको हथौड़ा दे रे, इसे कोई तो तोड़ना है। एक काम करो, मुझे एक सफेद शर्ट दे दो और एल्यूमिनियम की थाली दे दो, जेल वाली फीलिंग आ जाएगी। अगले हफ्ते तू जेल वैसे भी जाने वाला है। क्या बकवास कर रहा है? क्या लगता है रे? हां श्रीरंगम की छोकरी ने चीटिंग 103, ईव टीजिंग 203, फोर्जरी 403 डाल के मुझ पर केस किया, तो मुझे जेल जाना पड़ेगा कि नहीं? सुनना यार, बेलोर जेल में जाएगा तो सेल नंबर 10 में रुकना। अरे वहीं पर तो बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को भी रखा गया था। वसु, वहां जाने के बाद 108 को मिस मत करना। मामूली रूम नहीं है बच्चा, वहां पे महान कवि सुब्रमण्यम भारती को रखा गया था। क्या हो रहा है, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? छोड़ छोड़। हां हम तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे रे, वो श्रीरंगम की छोकरी जिसकी तूने जान बचाई ना, वो तेरा मजाक उड़ा रही है। सोच क्या रहा है भाई, रोड से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया, ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए और घर वालों को भी बुलाया। ऐसा मानने का छोड़, 15,000 और तेरा एड्रेस मांग रही है। अबे तुम लोगों ने मुझे हल्के में ले लिया है क्या? अच्छा देखना, अभी देखना मैं क्या क्या करता हूँ। इसको कहते हैं असली मर्द। हेलो हेलो, ए तेरे पापा हैं क्या? वासु बोल रहे हो? हाँ मैं ही हूँ। तेरा नंबर है 2704168। हाँ शायद। पुलिस वहाँ 5 मिनट में पहुँच कर तुझे अरेस्ट कर लेगी, देखना। ऐसा क्या? लेकिन 2 मिनट में तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बाद में जब पुलिस आएगी तो किसी और को पकड़ के ले जाएगी, फिर पीसीओ का मालिक तुझे कंज्यूमर कोर्ट में खींचेगा। हाँ पीसीओ है? हे पीसीओ से कॉल करके तूने पक्का कर दिया कि तू एक चीटर है। ऐसा क्या? पीसीओ से कॉल करने वाले चीटर होते हैं और घर से बात करने वाले कैट होते हैं। चुपचाप अपने बाप को फोन दे। क्या काम है? अरे तुझसे बात करके क्या होने वाला है, नायडू से बात करके अपने 3,000 वापस तो ले लूंगा। अभी क्या, अभी नायडू को बुलाओ, वो हमें न्याय दिलवाएगा। क्या बोला? क्या समझ के तू मेरे पापा से 3,000 मांगेगा? हाँ सही कहा। हे तूने पीछा किया इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे 15,000 देना छोड़ करके तू मुझसे 3,000 रुपए मांग रहा है। मैंने पीछा जरूर किया लेकिन तेरा एक्सीडेंट मेरी वजह से नहीं हुआ है। अरे फोन अपने पापा को देना, मैं उनसे बात कर लूंगा। दे दे उनको दे। मेरे पापा यहाँ पर नहीं है, शहर के बाहर गए हैं। कहाँ पे गए हैं वो? जहाँ भी गए हैं जिंदा नहीं लौटेंगे, तू जानती नहीं रॉकफोर्ड चंद्रू को। हे तू क्या हुआ बेटा? कौन है फोन पर? मैं बात कर रही हूँ पापा, वो वसुंधरा है। इसकी तो मेरी फ्रेंड है वसुंधरा। वसुंधरा, प्यार से उसे वासु कहती हूँ, है ना वासु? ए चोरनी फ्रॉड, बाप बाजू में बैठा है और झूठ बोलती है कि बाहर गया है,
अरे एक नंबर की झूठी है ये, यानी अपनी जैसी है। ए, चोरनी, तू मुझे जानती नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वासु, मुझे बिल्कुल नहीं लगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, 2-3 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा। ऐसे बात करिए जैसे बॉयफ्रेंड से बात करती है। अरे सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया की हर लड़की अपने बाप को ऐसे उल्लू बनाती है। मुझे तो सब कुछ पता है। तभी तो रॉकफोर्ट हूँ। अपने पापा को फोन दे। दे, कॉल नायडू इमीडिएटली, माय फ्रेंड वासु वांट टॉक सीरियस। अरे नायडू फोन उठा के देख तो तेरी बेटी क्या क्या गुल खिला रही है। घर पर सब ठीक है ना वासु? क्या सच में तू अब्दुल कलाम से मिलने वाली है? मैं जाता हूँ, बिल सेटल करके आता हूँ। अच्छा ठीक है। ये भी ना हमेशा फोन पर ही लगी रहती है, पता नहीं क्या बात करती है। अरे यार सारी लड़कियों के बाप के जैसे इसका बाप भी भोंदू है। सारी लड़कियों के बाप ऐसे ही भोंदू होते हैं, क्या कर सकते हैं आप। हे किससे इतना चिल्ला के बात कर रहे हैं? तुझे 3,000 वापस चाहिए ना, तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जो करना चाहता है कर ले, मेरे पापा शहर में नहीं है। ऐसा क्या? अब तू मेरी बात सुन, अपने बाप से सच्चाई छुपा रही है ना, इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई है कि तू एक नंबर की धोखेबाज है। हाँ? बोल। अभी अच्छे से सुन, कल सुबह 10 बजे मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अब तू ये सोचेगी कि मैं कैसे लौटाऊंगी, तो सोचने के बाद मुझे अच्छे से कॉल करना, ये मेरा नंबर है 233-2201। अगर नहीं किया ना तो मैं अपने पंटर लोग के साथ सीधे वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। रॉकफोर्ड कमिंग, मेंशन इट। सुन लिया ना, ये भी आएगा और बहुत बड़ा लफड़ा करेंगे। लफड़ा? अरे मतलब तेरा घर हिला देंगे। चेन्नई जाके काम करने की परमिशन नहीं मिल रही है यार, और अब ये पापा को सब बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। चेन्नई जाकर मेरा काम करना तो कैंसिल ही हो जाएगा समझो। बीजी डोंट वरी। क्या डोंट वरी, पैसे ही चाहिए ना तो दे देना। अच्छा सुनो, काली मंदिर में 10 बजे आ जाओ और अपने पैसे लेकर जाओ, ठीक है? ठीक है। कौन से कलर के कपड़े पहनोगे? अरे तुम तो मुझे पहचानती हो ना। मैं हर ऐरे गैरे को याद नहीं रखती। ऐसा क्या? चलो ठीक है, रेड कलर शर्ट, ग्रे कलर पैंट। ओके, मैं ब्लू कलर की चूड़ीदार में होंगी। ओके, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं हम लोग। तुझे कोई और काम नहीं है क्या? मैं जब भी फोन पे होता हूँ तो तू भूत की तरह मेरे आसपास में मंडराने लगता है। तू बात मत बदल, तू उसी एक्सीडेंट पार्टी से बात कर रहा था ना। हाँ तो तूने और बापू ने घर में जीना हराम कर दिया मेरा, इसलिए मैं उसको तंग करता हूँ। कल सुबह 10 बजे वो पैसे देने के लिए तैयार हो गई है। पैसे लेने तू जाने वाला है क्या? अरे मैं नहीं जाऊंगा, अपने किसी दोस्त को भेज दूंगा। उससे 2 बार मिलने के बाद इतना प्रॉब्लम हुआ है, तो वापस नहीं मिलूंगा उससे। छोटे मैं पैसे लेने जाऊँ क्या? देख बड़े सुन, वैसे भी तू अपने दोस्त को भेजने वाला था, तो उसकी जगह मैं चला जाता हूँ ना। क्या त्रास है। ए, हमारे परिवार के पैसे हैं, तो मुझे जाने देना, वहाँ पर किसी जिम्मेदार को जाना चाहिए। देख जैसा तू सोचता है मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। वो आदमी तुझे कितना सीधा समझता है यार। कौन आदमी? हमारा बाप। हाँ हे, एक बात याद रखना, उसने ब्लू कलर की चूड़ीदार पहनी है। जल्दी आ जाना, मैं चाय की टपरी पे रुका हूँ। हाँ ठीक है, अब जा। ध्यान से जाना। हाँ वो थोड़ा पागल है, बी केयरफुल। हाँ मैं संभाल लूंगी, तू टेंशन ना ले। ऑल द बेस्ट। यही वो लड़की है, ये तो एकदम मुलायम पमेरियन पप्पी की तरह दिख रही है। अरे यार ओ, ये है क्या? कॉर्पोरेशन का कुत्ता पकड़ने वाला दिखता है। हाय हाय। विजी वासु। यस आई एम वासु। पुलिस पुलिस। पुलिस को क्यों बुला रही है? पैसे चाहिए तुझे। मैंने क्या किया? क्या कर रही हो तुम? क्या हो रहा है? मैडम देखिए मैडम, मैं तो यहाँ पैसे लेने आया था। मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। मेरी बात सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? राम विजी विजी हो गया, काम हो गया।
अरे भाई क्या हो गया था अंदर? वासु नाम के लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई है, लड़की को छेड़ा। ओ शिट, गणेश! वासु, वासु तुम घर जा, मैं संभाल लूंगा। ए गणेश! ए, क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? मेरी बेटी को छोड़ दो। तू चुप कर। मेरी बेटी को छोड़ दो। चिल्ला रहा तो तेरी बेटी को मार दूंगा। ए, तुझे सिर्फ एक बार देखा, दूसरी बार तेरा पीछा किया। तू रोड पर बेहोश पड़ी हुई थी तो तेरी वो हालत देख के मैं तुझे अस्पताल लेके गया, और तेरे घर वालों को भी फोन करके मैंने ही बुलाया। हाँ, दूसरे दिन फोन किया तेरी तबीयत जानने के लिए तो तू बोलती है कि पुलिस को बुलाएगी। पूरे 15,000 रुपए लगे थे, तभी मैंने अपने पैसे वापस मांगे। उसके बाद बाप से बात करवाने को कहा तो बोलती है कि वो बाहर गया है। जब बोला कि घर आके लफड़ा करूंगा तब तू पैसे देने के लिए तैयार हुई। तेरी शक्ल मुझे वापस नहीं देखनी थी इसलिए अपने बड़े भाई को भेजा, लेकिन तूने सीधे पुलिस को बुलाया। तुझे पता भी है कि वो कितना सीधा साधा लड़का है? ये कौन है बेटा? अब सुन, अच्छे से सुन ले, मेरा भाई मेरी दुनिया है। अगर 1 घंटे के अंदर वो पुलिस स्टेशन से घर पर नहीं आया ना तो याद रखना मैं तेरी जान ले लूंगा। एक तो ज्यादा मत सोच, भूल जा। लाइट बिल भरना है, वासु को भेजू क्या? कोई जरूरत नहीं है, मैं भर दूंगा। तुम सब लोग अपने ही काम में लगे हो, मुझसे कोई बात ही नहीं करता। मैं यहाँ रहूँ कि नहीं रहूँ बता? तो क्या चाहता है, मैं क्या करूँ? जाके अपने पापा से मिल और पूछ ले वो तुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। उनको बोल दोबारा ऐसा नहीं करेगा और उनसे माफी मांग ले। पापा, पापा, रुकिए पापा, पापा आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अगर गुस्सा हो तो मुझे डांटिए, मुझे मारिए, पर मुझसे बात कीजिए पापा। क्या बात करूं? जो मेरी बात की अहमियत नहीं देता उसे क्या बात करूं मैं? ठीक है पापा, आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा। आप मुझसे बात कीजिए पापा। बात करूंगा, जिस दिन तू अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू करेगा उसी दिन बात करूंगा। तू जो भी काम करेगा वो काम सही होगा, मुझे विश्वास दिला, तभी बात करूंगा मैं। जब भी तेरी कोई बुराई करे और मैं उसकी बात पर यकीन न करूं ऐसा काम कर तब बात करूंगा। ऐसा कोई काम कर जिसमें तेरी तारीफ हो और मुझे गर्व हो तब बात करूंगा। तब तक मेरा साया भी तुझसे बात नहीं करेगा। एक बाप होने की मैंने सारी जिम्मेदारी निभाई है, मैंने कभी उफ तक नहीं की, बिना कुछ सोचे समझे मैंने फर्ज निभाया। एक बेटे के नाते तू मेरे लिए भले कुछ मत कर, लेकिन सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होकर तू मुझे दिखा दे, यही काफी है। अरे जाने देने यार, क्यों इतनी सी बात को दिल पे लगा बैठा है? यार मैंने जब भी कोई गलती की है तो पापा ने मुझे हमेशा डांटा है, मैं भी मजे लेता था और कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो मैंने कोई गलती भी नहीं की है यार, फिर भी वो मुझसे बात नहीं कर रहे, ऊपर से मेरी तरफ देखते भी नहीं है यार। फ्यूचर का सोच के मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है भाई छोड़ना, माँ बाप तो बच्चों को डांटते ही है। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। नहीं यार नहीं, मेरा दर्द क्या है तुम लोग नहीं समझ सकते। एक ही घर में रहकर पापा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है रे? मुझे घर जाने का मन नहीं करता। छोड़ ना यार, तू मेरे घर आके रहे। नहीं यार, मेरा भाई चेन्नई में सुपीरियर ऑफिसर है, उसने अपने बॉस से मेरे बारे में बात की है, अब तो ऐसा लगता है कि चेंज ही बेटर रहेगा। मैं चेन्नई जा रहा हूँ, फोन करता रहूंगा, कभी चेन्नई आए तो मुझसे जरूर मिलना। बेस्ट ऑफ लक यार, ज्यादा सोचना मत, देख कुछ दिन में तेरे पापा तुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना।
ऑल द बेस्ट यार। ऑल द बेस्ट। चलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है? अरे मुझे बात करो, मुझे बात करो। क्या कर रहा है? भाई, ये मिस्टर मदन का फ्लैट कौन सा? राइट साइड। थैंक यू। वासु लवेबल स्मार्ट गाय कमिंग फ्रॉम मुंबई। नौकरी के बारे में पापा से बात करने आए हो, एम आई राइट? या बाय द वे आई एम पूजा। तुम बहुत ही होशियार हो। यस। मुझे घर की चाबी मिल जाती तो। क्यों, हमारे घर में नहीं रुकोगे? चलो ना मेरे हीरो। डरो मत, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। पापा काम से बाहर गए हैं, आते ही होंगे। मेरी माँ घर पे ही है। मम्मी, आ रही हूँ। माँ को सजना सवरना बहुत पसंद है। 24 घंटे में 20 घंटे मेकअप करती है। मेकअप मेकअप मेकअप, सोते वक्त भी, बाथरूम जाने के लिए भी उन्हें मेकअप लगाना पड़ता है, क्योंकि वो चेन्नई की लॉटरी क्लब के मेंबर हैं। ए, लाइन मार रहे हो? ए, छी, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मार रहे? हाँ दिखाओ मुझे। किस लिए? बोला ना दिखाओ। तुम्हारी हाथ की रेखा देख कर तुम्हारे बारे में, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सब जान जाऊंगी। अरे बाप रे, क्या हुआ? तुम्हारे हाथ की रेखाओं के हिसाब से तुम्हारी जबान बहुत लंबी है। अगर यकीन नहीं होता तो जाके शीशे में खुद देख लो। और ये रेखा जो है। हाय वासु, चौको मत, इसको एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का शौक है। एनी शॉकिंग न्यूज? अभी तक तो नहीं आंटी। आंटी, कैसे खिसकू यहाँ से? नो 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 नो, मुझे तुम मालिनी कहकर बुलाओ। हो सके तो मालिनी को तुम प्यार से माली भी कह सकते हो। ओके माली। यस, कम इन। वन मिनट पूजा। देखना मेकअप करेगी, पागल है। अभी खोल दो। ये कौन सी अलजबरा फैमिली में फंस गया हूँ मैं? छी, ये है, मुझे लगा कोई और होगा, फालतू में टचअप किया, सब वेस्ट हो गया। छी, ये पक्का इसका पति। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए 125 करोड़ बहुत कम है भाऊ। क्या बोला, क्या बोला, क्या पागल हो गया क्या तू? माफ करना, फोन ने पागल कर दिया। तू कौन है? वासु है। जी हाँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये बता, तेरे घर में माँ बाप सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है सर। आपकी गर्दन को क्या हो गया सर? ओह, गर्दन को कुछ नहीं हुआ है, बार बार फोन पे बात करते करते मेरी गर्दन मुड़ जाती है, बाद में ठीक हो जाती है। हाँ ये लो वासु, फ्लैट की चाबी, जाओ और आराम करो, शाम को आराम से बैठ के बात करेंगे। ओके। हेलो, वीरप्पन को, बिन लादेन को वो लोग पकड़ लेंगे, तब मैं सोचूंगा। ओके बाय पूजा। सॉरी, बाय डियर। शाम को चुपचाप आ जाना, नहीं तो मैं फ्लैट पे आ जाऊंगी। ओके। अरे ये तो मिडनाइट मसाला पार्टी लगती है। हाँ, लगता है पूरी फैमिली ही ऐसी है। ए गणेश, सुबह के 10 बज गए हैं यार, अभी तक सो रहा है तू? हाँ? कौन है रे? पापा। अरे बैठ कर खाना। चिल्ला मत माँ, खाना हजम नहीं होता है, एक तो तेरी वजह से मैं पतला ही रह गया। अरे माँ। हैप्पी बर्थडे बिरादर, जिंदगी का मजा इसी में है। हाँ, दारू, सिगरेट, गुटखा, चकना, किसके लिए? सब कुछ तेरे लिए। विशिंग यू अ वंडरफुल डे डियर ब्रदर। ये बता, तू इसे घर में पीने वाला है? ए गणेश, अरे बाप रे, बाबा ने उनको बताया। ये लीजिए। दो शिप का फायदा 200 करोड़ हो जाएगा। तो दो लॉरी का भाड़ा काट ले। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर मदन कहाँ मिलेंगे? हाँ बोलिए ना, मैं ही मदन हूँ, बोलिए। हेलो सर, आई एम विजी। अच्छा, माँ बाप भी आए हैं क्या तुम्हारे? नहीं सर,
कल की ट्रेन से वो दोनों आएंगे। अच्छा अच्छा, पापा माँ को धोखा दे। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, इससे मिलो। ये मेरी बेटी पूजा, ये है विजी, ये हमारे फ्लैट में ही रहेगी। लाइट प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, पार्किंग प्रॉब्लम, एनी मैटर प्रॉब्लम होगा तो कॉन्टेक्ट में इमीडिएटली। इनको ऊपर ले जाकर कमरा दिखा दो बेटा, मैं अभी आता हूँ। ठीक है पापा। ओके सर, दिखाने से पहले मुझे कुछ देखना है। अपना हाथ दिखाओ। अरे दिखाओ ना। अंगूठे के बगल वाली उंगली लंबी है। तुम्हारे होने वाले पति पे मुझे दया आ रही है। क्या? तुम्हारे पैर का अंगूठा बगल वाली उंगली से छोटा है। छोटा? देखो उंगली से छोटा है। मेरी दादी हमेशा कहती थी लंबी उंगली वाली लड़कियां हमेशा अपने पति को दबा के ही रखती हैं। बेचारा जिसे तुम्हारी शादी होगी मुझे उस पे दया आ रही है। चलो। ये क्या बोल रही है? कल वासु का एक इंटरव्यू है, उससे बात हुई क्या? टीवी पर कल मैंने केआरके की मूवी देखी। अच्छा, केआरके क्या बकवास एक्टिंग करता है यार। कौन? केआरके, केआरके। माँ की स्पेलिंग क्या? केआरके की माँ का। अच्छी एक्टिंग नहीं करता तो उसको माँ की गाली देगा? फिर कभी माँ पे मत जाना, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। डैडी मम्मी नहीं घर पे। क्या यार, ये बच्चा पोस्टर को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? शीला की जवानी के चार शो एसी सिनेमा हॉल में। हाँ? पास में चला गया। हम तो बेकार में बच्चे पर शक कर रहे थे, ये बेचारा तो बहुत ही शरीफ लड़का निकला है। उस सिनेमा के अश्लील पोस्टर को एक झटके में फाड़ दिया उसने। तारीफ तो करनी चाहिए इसकी। चलो चलो चलो। गुड, वेरी गुड। भारत देश का भविष्य सिर्फ हमारे जैसे युवाओं से नहीं बल्कि इनके जैसे छोटे बच्चों से भी उज्जवल है। वो मैं हूँ। ए, सारे नौजवानों के लिए ये लड़का एक एग्जाम्पल है। सुनो, तेरे लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, तेरे खानदान में तेरे जैसे बच्चे हों। ए, मुझे पूरा यकीन है बड़ा होके विवेकानंद बनेगा। सही कहा ना बेटा? बिल्कुल नहीं, कल रात को ही मैंने ये पिक्चर देख ली थी। इतना भी मजा नहीं आया। बदतमीज लड़का। मेरे 25 रुपए वेस्ट हो गए। पोस्टर में सब कुछ दिखाते हैं और पिक्चर में कुछ भी नहीं दिखाते। मेरे जैसे भोले भाले को फिर से चूना ना लगे इसलिए पोस्टर फाड़ दिया। इसको देख के उल्लू मत बनना, मुन्नी बदनाम हुई वो देख लिया। चलो चलो। देख लिया ना, चकिला के हाथ के साइज का नहीं है फिर भी कैसी बातें कर रहा है। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगा ये विवेकानंद बनेगा पर ये प्रेम चोपड़ा बनेगा। Excuse me, यहाँ 17D बस रुकेगी ना? हाँ रुकेगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये आवाज तो सुनी सुनी लगती है। तुम? अरे तुम हो? 7:30 लग गई। हे भगवान बचा ले। अरे क्या करूं? अरे बाप रे, सोचा था इसकी शक्ल कभी नहीं देखनी पड़ेगी लेकिन देखो क्या त्रास है यार। गणपति बापा अभी आगे क्या होगा? जब से इससे मिली हूँ कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है मेरे साथ। अब ये चेन्नई क्यों आ गया? मुंबई में इससे मिलने के बाद ही बुरा टाइम शुरू हो गया था, नाम बदनाम हो गया था। 3,000 रुपए चले गए, पापा ने बात करना बंद कर दिया, भाई को पुलिस ने पकड़ लिया, अपने परिवार को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ अकेला रहने के लिए आ गया और ये इधर भी आ गई। देखो कैसे देख रही है। अब पता नहीं मैं इसका क्या करूं। एक तो पहली लगी पड़ी है मेरी। ये कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? इसके पास कहाँ इतनी अकल है? मैं इसका पीछा कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं सोच रही होगी ना ये? नहीं नहीं, इसको भी पता है कि ये टाइम वेस्ट करने का मटेरियल नहीं है। अगर ये मेरा पीछा कर भी रहा है तो मैं टेंशन क्यों लूँ? बस आ जाए तो यहाँ से निकल लूँ। अरे गणपति बप्पा, पावला से तू बस आ गई, बच गया मैं। वासु जल्दी वट ले यहाँ से। चलो अंदर जाओ। अगले स्टॉप की टिकट देना। 2.5 रुपए छुट्टा दो। 2.5 रुपए की टिकट निकालने के लिए चिल्लर नहीं दे सकता क्या? सॉरी सर, चेंज नहीं है। सब यही बोलते हैं, ला देता हूँ बाद में। आगे जा, बोलो टिकट। चलो चलो अंदर चलो, जाओ जाओ अंदर जाओ। कहाँ जाना है बोलो मैडम, कहाँ जाना है? लिबर्टी। लिबर्टी? उसने 5 रुपए दिए, उसको मैं 2.5 वापिस नहीं दे पा रहा और तुम 50 की नोट दे रही हो, 500 नहीं है क्या? सॉरी सर, मैं चेन्नई में नहीं हूँ। हाँ ठीक है, सब ऐसा ही बोलते हैं। तो वही आवाज है। वो ब्लू शर्ट वाला भी लिबर्टी पे उतर रहा है, इसमें से 2.5 रुपए उसको दे देना। ये तो वही है। अरे यार, एक तो इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, अब इसकी शक्ल देख ली है, पता नहीं मेरा क्या होगा। ये जब भी मिलता है कुछ ना कुछ बुरा होता है। हे राम। वासु,
जो 3,000 दे के तूने इसकी जान बचाई वो 2,500 दे के तेरी जान ले लेगी। जान चाहिए या 2,500? वासु भाग जा यहाँ से। हे मिस्टर। क्या? मुझे किसी की उधारी रखना पसंद नहीं। तो क्या करना है? पहले भी पैसे की वजह से एक मवाली को मुंह लगाना पड़ा था। ए, जुबान संभाल के बात करो। मैं यहाँ तुमसे जुबान लड़ाने नहीं आई हूँ, वो 2,500 तुम्हें लौटाने के लिए आई हूँ। जस्ट अ मिनट। वेस्ट अ मिनट। एक्सक्यूज मी, चेंज है क्या? चेंज नहीं है मैडम। ठीक है, 2,500 में क्या मिलेगा? सिगरेट, छोटा पाउच और बड़ा पाउच, क्या चाहिए बोलो? ओके, एक सिगरेट दे दो। क्या कहा, सिगरेट चाहिए आपको? लड़की घर के बाहर क्या निकली, तो परी निकल गई इसके। ये लीजिए। ये लो पैसे। हाँ, एक नंबर सुट्टा घोर है, पैसे को भी रोल करके दिया। हाँ, सिगरेट। ए, ये क्या है? हाँ, दम, वो भी 2,500 का। इसके बाप ने जंजाल पैदा किया है। एक किसको दिखा रहे हो? इसकी जरूरत नहीं है, हमको पढ़ना लिखना नहीं आता, समझे? सब अनुभव पर काम चलता है हमारा, फैसला भी। ठीक है, अब हम तुमसे कुछ सवाल करेंगे, उसका सही जवाब देना। अभी हम तुमको अपनी कंपनी का MD बना देंगे, तुम पहला काम क्या करोगे? MD बनकर घंटी बजाओगे? एक्सक्यूज मी सर। इसको काहे बुलाया? उस कैलेंडर को देखिए सर। अरे बाप रे, 3 दिनों से ये बदला नहीं गया है। का रे, तारीख नहीं बदलता है, ऑफिस में खाली तनख्वाह लेने आता है, फाड़ उसको। डस्टबिन देखिए कहाँ रखा है सर। अरे ससुरा, का रे, डस्टबिन सोफा पर रखेगा, पकड़ा गया है, हटाओ उसको जल्दी। वो पानी का नल भी ठीक से बंद नहीं हुआ है सर। ये तो पानी भी टपक रहा है, अरे डेली चढ़ा कर बैठता है का, पानी नहीं दिखाई दे रहा, जल्दी बंद कर। अरे नलायक, यहाँ काहे देख रहा है? ए, भाग यहाँ से। ओके सर, पनौती मेरी नौकरी खा जाएगा। आहा बबुआ, तुम फिट हो गए, जल्दी से कंपनी में ज्वाइन कर लो, देर मत करो, समझे? एक मिनट रुको, इलो अपना फाइल रख लो। जी सर। कमला, ये लड़के का अपॉइंटमेंट लेटर बना दो। हाँ, इसको नौकरी पर रख लिए हैं। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू अंकल, थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। एक्सक्यूज मी। ओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, स्वीट प्लीज। सर, आपको नौकरी मिल गई क्या, इसीलिए मिठाई बांट रहे हैं? मुझे सुनकर अच्छा लगा। इस बड़े शहर में बस की सवारी करने में मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। क्यों, एक्सीडेंट होगा या फिर ब्रेक फेल हो सकता है, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं सर, उसका मुझे डर नहीं है, बस मैं जैसे ही टिकट चेक करने वाला चढ़ता है, मैं वैसे ही बस से उतर जाता हूँ सर, पकड़ा जाऊंगा इसी बात का डर लगा रहता है सर। क्या है कि मुझे विदाउट टिकट ट्रेवल करने की आदत है। क्या फालतू आदत है, जाओ यहाँ से। थू, मैं इसे पैसे बचाने के लिए सिखा रहा हूँ और ये मुझ पर ही थूक रहा है, कैसा आदमी है ये। हाँ दम, वो भी 2,500 का। ये आखिर मिठाई क्यों बांट रहा है? ये तो इधर ही आ गया। हेलो। ये पकड़ो। क्या पकड़ूं? ये पकड़ो। ये क्या है? 2,500 दम, तुमने ही दिया था ना, मैं पीता नहीं हूँ, मेरा टिकट निकाल दो। टिकट? अच्छा भाई, बस आ गई, मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, अरे रुको 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 रुको, हे मेरी भी टिकट ले लेना। अरे रुक जा यार। और किसी को टिकट चाहिए क्या? मुंह तो देखो इसका। टिकट वो निकालेगी सर। हाँ।
पानी बचाए। 8 बजे आने वाली बस पूरे 9 बजे आ रही है। अरे, टिकट चेक करने वाला आ गया, मैं ऐसे निकल लेता हूँ। भैया टिकट उस लड़की ने निकाली है। कुमार सर, उस लड़की के पास 2 टिकट है। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। टिकट 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 दिखाओ, टिकट लाओ, टिकट दिखाओ मैडम। टिकट दिखाओ तेरी, तुझे तो जेल दिखाऊंगी। अरे भाई, उस लड़की ने तो एक ही टिकट दिखाई। हाँ, ऐसा है क्या? रुक जा, अभी देखता हूँ। तुम्हारी टिकट उसके पास नहीं है, नीचे आओ, नीचे आओ। सर, उस लड़की ने निकाली थी सर। अरे नहीं निकाली है, नीचे आओ। सर हाथ छोड़िए ना, उस लड़की ने निकाली थी सर। बता कौन सी लड़की, दिखा मुझे, बताइए में से कौन सी है, बताना। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस वाली सर। क्यों मैडम, मैडम सुनिए सुनिए, यहाँ आपने इसकी भी टिकट निकाली है क्या? अरे वहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ देख। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं ये कौन है। किसी अजनबी की टिकट भला मैं क्यों निकालूं? अच्छा, टिकट नहीं ले रहा, ऊपर से लड़की को फंसा रहा है। हाँ? टिकट नहीं खरीद सकता है तू? चारी लड़की को फालतू में फंसा रहा है तू। सर नहीं सर, तुझे फाइन देना होगा। चल उस जीप में बैठ, चल दे। अब परेशान हो रहा है, लड़की का पीछा करेगा, 2.5 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकता है तू। चुपचाप यहाँ से निकल जा, चल जा, जा निकलना। हाय पूजा, कैसे आना हुआ? नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे टेंशन हो रही है। क्यों? एग्जाम में फेल होने वाली हो क्या? उसकी टेंशन कौन लेता है? एफ ब्लॉक का वो वासु है ना, अभी तक घर नहीं आया, बहुत रात हो गई है इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। एफ ब्लॉक का वासु, कहीं ये वही लंगूर तो नहीं? वासु भी मुंबई से आया है। ओ, तो वो भी यहीं पर रहता है। तुम वासु को जानती हो क्या? एफ ब्लॉक के वासु को? नहीं, मैं कभी नहीं मिली। ए, क्या बोल रही हो? रोज पास के बस स्टॉप से तुम दोनों एक ही बस पकड़ते हो। हाँ? हाँ, सांवला कलर, लंबा कद और हैंडसम दिखने वाला। वैसे ये तो बताओ कि वो घर नहीं आया तो तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है? तुम जाकर शांति से सो जाओ, दूसरों की चिंता करके तुम्हें क्या मिलेगा, है ना? नहीं बेटी, उसकी शादी नहीं हुई है, बैचलर है। उसके मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते, वो अकेला यहाँ रहता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत आग लगी। क्या क्या क्या, क्या कहा? उसका नाम ही अजीब है, क्या बताया था तुमने? एफ ब्लॉक का वासु या फ्रॉड वासु। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि उस मवाली को किसी गाड़ी ने ठोक दिया और वो रोड पर पड़ा हो, पीछा छूटेगा मेरा कम से कम। अब चुप करो, तुम कभी उससे मिली नहीं हो और उसके बारे में इतना सब बोल रही हो। ही इज अ वेरी नाइस गाय। नहीं पूजा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, बिना टिकट के शायद वो बस में चढ़ गया होगा, कंडक्टर ने पकड़ के पुलिस को दे दिया होगा, फिर उसे कोर्ट लेकर गए होंगे। अरे या फिर अच्छा नहीं सोच सकती क्या? वो बिना टिकट के बस में क्यों जाएगा? अगर गया भी तो पुलिस उसे क्यों ले जाएगी? क्यों नहीं पकड़ेगी उसे? हे भगवान, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पुलिस ने नहीं पकड़ा होगा तो फिर क्या हुआ होगा? ये शूर्पणखा यहाँ रहती है क्या? घूर क्या रहा है तू? भाग के आ गया क्या? इस बार बच गया होगा शायद, अगली बार मुझसे नहीं बचने वाला तू। क्यों री, तू सोच रही होगी कि मुझे छोड़ कैसे दिया? मुंबई में तुझे छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ नहीं। देखना इस शहर से तुझे कैसे दफा करता हूँ। तू मुझे इस शहर से बाहर निकालेगा? ए, तू मेरे पैरों पर गिर कर एक दिन भीख मांगेगा देखना। मुझे जाने दो विजी, ऐसा करवा कर रहूंगी तुझसे। इसको ना छोड़ना ही नहीं चाहिए था। कहाँ गया? क्या हुआ, डर के भाग गया क्या? हाँ हाँ, अरे मवाली, तुझे तो मैं Ugh!
कोई मर गया। हे भगवान। तो मेंबर्स, अब तक हमने अपने वार्षिक कार्यक्रम कैसे करने हैं उसके बारे में चर्चा की है, और अब हम रात को किसी अपार्टमेंट से हुए भयंकर हमले के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर मदन सर बहुत ही मेहनती और नेक आदमी हैं। इसके बावजूद भी किसी नीच आदमी ने देर रात के 11 बजे अपने अपार्टमेंट से उनके खिलाफ अपनी खुन्नस निकालने के लिए एक भयंकर हथियार से उन पर हमला किया। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसीलिए मैंने जो हमारे प्रिय दोस्त हैं, जो फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें उस हथियार की छानबीन करने के लिए बुलाया है। आपके और हमारी सुरक्षा के लिए मैं मदन सर से उस भयंकर हथियार को दिखाने की गुजारिश करता हूँ। दिखाइए सर, दिखाइए ना, बाहर निकाल के सबको दिखाइए। क्या दिखाऊँ? ये क्या है सर? वासु, ये वही चीज है जिसे मेरे सिर पर मारकर मेरा सिर फोड़ दिया। ये तो खड़ी शक्कर है सर, आपके दिमाग में भूसा भरा है क्या? अरे क्या चाहिए तुझे? फ्लॉप हो गया आइडिया। अरे इतना क्या देख रहे हो? ये देख रहा हूँ कि इसमें फिंगरप्रिंट्स कैसे मिलेंगे। अरे कोशिश करो ना। थू, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। अगर इन सबको चिपका दे तो फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे क्या? हैं? सांस क्यों फूल रही तुम्हारी? री तो मैं मेरे पास टेबल होता तो टेबल फेंक के मारता। लोगों को जमा करके मुझे फंसाना चाहता था, मुझे पकड़वाना चाहता था। वासु, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। मुझ पर एक और चीज फेंक कर मारी थी। जाओ ना। कहाँ जाऊँ मैं? कितना मुश्किल से मैं लेकर आया हूँ पता है? देख, अरे देख ना, क्या इससे हम गुनहगार को पकड़ सकते हैं? अब वो हमारे हाथों से बच नहीं सकता है। हाँ, ये तो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। अब कुछ करना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट से मुझे पकड़ेगा? अब तू इससे बच के दिखा। हम उसे पकड़ सकते हैं सर। हाँ? लेकिन खबर आग से भी ज्यादा तेज फैलती है। आप जैसे बड़े आदमी को किसी ने चप्पल से मारा, ये जानने के बाद आपका मान सम्मान, इज्जत, मान मर्यादा खत्म हो जाएगी। इसलिए इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है? तुझे ऐसा लगता है? और नहीं तो क्या? आज तो तू गया। डॉक्टर, मेरी दूसरी आंख कहाँ गई? उसे निकाल कर गोटी खेल ली है क्या तुमने? पूछो जिसने पत्थर मारा। हाँ छोटे, गणेश बोल रहा हूँ। अरे गणेश, कैसा है रे बड़े? यहाँ पर मेरा अच्छा चल रहा है, तेरे बिना मन नहीं लगता यार। ये बता तू कैसा है? माँ कैसी है बताना? माँ बिल्कुल ठीक है। पापा मेरे बारे में कुछ पूछते कि नहीं? ये अभी मुझ पर गुस्सा है क्या? गुस्सा बिल्कुल नहीं। वासु सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे छोड़ ना यार, देख मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है, अच्छी कंपनी है, अच्छी सैलरी है, और एमडी एकदम मस्त आदमी है यार। हाँ हमने भी सुना है, तू बहुत बिजी हो गया है और फोन भी नहीं करता। मदन सर ने बताया मुझे, पापा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। कौन है रे? वासु है पापा। हे पापा थे, मैं फोन पर तुझसे बात कर रहा हूँ। ये सुनकर भी नाराज नहीं हुए?
तू बता, तू ऑफिस कैसे जाता है? बस में धक्का खाते हुए, अब तो मुझे आदत हो गई है यार। गणेश, चल ठीक है, बाद में बात करते हैं, पापा बुला रहे हैं। आया पापा। बोलिए पापा। कैसा हो वो? वो अच्छा है पापा। काम में मन लग रहा है ना? हाँ, उसका मन लग रहा है। कैसे जाता है? बस से जाता है। बस में क्यों जाता है? कितनी तकलीफ होती है। उसका टू व्हीलर है ना, वो भिजवा दो उधर। यस, वासु खुश हो जाएगा। ए, आज वासु और पूजा स्टेज पर आग लगा देंगे यार। क्यों? हम अभी तक नहीं है यार। निकाल दिया। बैग में क्या है बता? हे, बैग की बात मत कर। ठीक है, फ्यूज क्यों निकाला? अब देख मैं तुझे यहाँ से कैसे बाहर निकालता हूँ। देखो, आगे मत आना। हाँ, मुझे अकेला देख के छेड़ रहे हो क्या? चिल्लाऊंगी मैं। चल चिल्ला, चिल्ला ना। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने जबरदस्ती की। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे मत आना। अब तू कहाँ भागा? अरे वासु, देख मुझे बिट्टा किसने मारा। मेरा दुपट्टा वापस दे देना। छे। डॉक्टर, हर कोई घर की दीवार पर फोटो लगाता है, लेकिन एक नीच आदमी की वजह से मैंने अपने चेहरे पर फोटो टांगी है। समझ नहीं आ रहा वो कौन है। ए सुनना, गणेश से सुना है कि वासु के पापा ने उसकी बाइक भिजवा दी है। रुको, क्या हुआ? चलो, लाइसेंस दिखाओ। और भाई कैसे हो? बहुत दिनों बाद। कहाँ थे? अपनी बकवास बंद कर। पुलिस इंस्पेक्टर से कैसे बात की जाती है इतना नहीं पता? वो सामने क्या लिखा है? पुलिस तुम्हारी दोस्त है। दोस्त से हम ऐसे ही बात करते हैं? पब्लिक प्लेस में दारू लेकर घूम रहे हो और पुलिस का मजाक उड़ा रहे हो। तुम जानते हो आज क्या है? तुम लोगों ने पकड़ लिया तो हमारा बुरा दिन है। बेवकूफ, आज गांधी जयंती है। जानते हो ना, गांधी जी ने कहा है कि शराब पीना बुरी बात है। गांधी जी ने सिर्फ इतना ही नहीं बोला है, रिश्वत लेना बुरा है ये भी कहा है। लेकिन तुम उनके फोटो वाले नोट की रिश्वत लेते हो ना, और उस पैसे से दो दो घर खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? ये तो बहुत बोल रहा है। हां पर सच बोल रहा हूं ना। सर, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सीधा इनके ऊपर 104, 306, 406 की केस फाइल बना के अंदर डाल दो सर। इन पर जो केस चलेगा उसका सेक्शन इन्हें पता नहीं होगा। बेवड़ों के क्या मुंह लगना सर, अंदर डालो। पापियो, दारू की दुकान को लाइसेंस तुम लोग देते हो और अलग से हफ्ता भी तुम लोग लेते हो। हम मदिरा प्रेमियों की बेइज्जती मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ, हमारा मुंह मत खुलवाइए, झेल नहीं पाएंगे आप। क्या बोलेगा बोल। मैं बताता हूँ सही आंकड़े। पूरे महाराष्ट्र में 14,222 वाइन शॉप हैं, उनमें से कॉर्पोरेशन में 6,344 दुकान आती हैं, नगर पालिका में 4,322 ठेके आते हैं, जिला परिषद में 3,118 ठेके हैं, और बस्ती में 844 ठेके और गांव में 615 ठेके आते हैं, और एक वार्ड में 108 ठेके। सब मिलाकर हुए 14,228 वाइन शॉप, जो सब कुल मिलाकर के लगभग 50,67,745 लोगों की प्यास बुझाते हैं। एक बंदा भी एक क्वार्टर 60 रुपए में खरीदता है तो उसकी कमाई 50,42,344 रुपए होती है। इस कमाई से तुम्हें पता है हमारे राज्य की सरकार एक दिन में कितना टैक्स कमाती है? 3,17,02,342 रुपए। इसके अलावा सोडा, अंडा, चिकन, मटन, बीड़ी, पान पराग, वाटर बॉटल, ये सब खरीद करके हम सरकार की कितनी कमाई करवाते हैं पता है तुम्हें? 30,44,428 रुपए की। कई बार ज्यादा पी लेने की वजह से हम नाली में गिर जाते हैं, वहाँ भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के लिए हम 1,17,000 रुपए खर्च कर देते हैं। इसके अलावा भी तुम्हारे डिपार्टमेंट को हम अपनी गाड़ी कमाई से पता है कितनी रिश्वत देते हैं? पूरे 52,44,212 रुपए। हमारे जैसे शरीफ नौजवान पी पी करके इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं, और तुम जैसे निकम्मे हमें बेशर्म का नाम देते हैं। बेवड़ा, मतलबी, मवाली और नालायक कहकर बुलाते हैं। सर, इसके आंकड़े सुनने के बाद लगता है कि ये रामानुज का आदमी है सर। अरे भाई, ये सब क्या था भाई, इतना गरम मत हो, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही बोला। अरे हमारा ये देश तो शराबियों की वजह से चल रहा है। कैसा था ब्रदर? जो कुछ भी हमने बोला तुम दिल पे मत लेना, आई एम सॉरी।
सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मराठी, श्रीलंकन, मलेशिया, वर्मा, सिंगापुर या मॉरिशस किसी भी भाषा में सॉरी बोला ना तो मुझे पसंद नहीं है। अरे भागो यहाँ से, भागो, चलो। पूजा, तुम्हें कब से बुला रही हो? ये फिर से उस लंगूर को देख रही है। इसे बंद करो और इस एल्बम को उठा के बाहर फेंक दो। क्यों? बिल्डिंग के लोग पता है कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? पूजा का और उसका। उसका किसका? अब क्या ऐसी बातें चिल्ला कर करूँ मैं? राम 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 राम। इतना चिपक चिपक के जो तुम उसके साथ डांस कर रही थी, उस डांस के नाम पर वो कभी इधर तो कभी उधर हाथ लगा रहा था। चाचा, क्या क्या कोई भाई कभी ऐसे बर्ताव करता है? वो क्या तुम्हारा भाई है? मेरा नहीं, मैं तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ। क्या, क्या क्या क्या? तुमने मुझे कभी बासु को राखी बांधते हुए देखा है क्या? या मैंने कभी तुमसे कहा कि वो मेरा भाई है? हमारा रिलेशन अलग है। अलग है मतलब? उसको सिर्फ जवान लोग ही समझ सकते हैं, तुम्हारे जैसे बूढ़ी नहीं। इसलिए खड़ी रह के देखो। मैं क्या देखूं? अरे वाह, वो आ गया। कौन आया? मेरा मतलब वासु। वो यहाँ क्यों आया है? मुझे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए। हे, मैं रोज तुम्हें कॉलेज छोड़ती हूँ ना। उसके साथ जाऊंगी तभी तो अपने दिल की बात उससे बता पाऊंगी ना। तुम उसको क्या बोलोगी? हाँ वासु, आई लव यू। पूजा, पूजा बोलो। वो एक मवाली लड़का है। फॉर इन्फॉर्मेशन पूजा, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जोन के भी अंदर। टाइट पकड़ के बैठना। वो क्या बोल रही थी? पक्का मुझे ही गाली दे रही होगी। उस पे ध्यान मत देना। भगवान, वासु चलो। इतना चिपक के बैठी उसे वो। पूजा चलो भाई। पूजा, वासु उस जल कुकड़ी बीजी से तुम जरा बच के ही रहना। क्या करूं, शहर छोड़ दिया लेकिन इसने पीछा नहीं छोड़ा मेरा। वो छोड़ेगी भी नहीं और उसको कभी कोई काबू में नहीं रख सकता। क्या बात कर रही हो? उसके पैर का अंगूठा है ना, उसकी बगल वाली उंगली उससे बड़ी है। और सब कहते हैं कि ऐसी लड़कियां हमेशा लड़कों को दबा के ही रखती हैं। सच है क्या? उसकी शादी जिस लड़के से होगी वो तो गया। क्या कह रही हो, लड़कियों के अंगूठे से इतना सब पता चलता है क्या? अरे तुम्हारा भी तो अंगूठा छोटा है। तभी तो ये बात मुझे अच्छे से पता है। तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी पक्का। अरे वो देखो, ये झंझट अपने पीछे पड़ी है। अरे बाप रे, क्या हुआ वासु? मेरा बुरा टाइम शुरू हो गया। जरा अपने पीछे तो देखो। ये मवाली औरत हमारा पीछा कर रही है। मना करने के बाद भी इसी के साथ जा रही है? हा? तुम टेंशन मत लो वासु, मैं हूँ ना, घर पर भी भला बुरा कह रही थी। तुम्हारे शहर से इसलिए मैंने जाने दिया, पर अब देखना मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। हे भगवान संभाल ले। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमसे बात नहीं कर रही, चलो चुपचाप नीचे उतरो। क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तब भी इसके साथ बाइक पे जा रही हो और वो भी इतना चिपक के बैठी हो। हाँ हाँ जाऊंगी, वासु की बाइक से ही जाऊंगी, उसके साथ चिपक के बैठूंगी। अभी इसी वक्त उसे किस भी करूंगी सबके सामने सड़क पे। तू क्या कर लेगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझी? अच्छा हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा के दिखाना। आहा, सच में वो अंगूठे वाली बात सच निकली। उधर देख के क्या बात करिए, इधर देख के बात कर। ए, अरे पूजा, रहने दो यार। कुछ बोल नहीं रही हूँ तो ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। पूजा प्लीज, पूजा छोड़। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, चलो निकलो यहाँ से। ए, मैं... हाँ, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। अरे दोनों की दोनों एक जैसी हैं। सर बीच रास्ते में दोनों लफड़ा कर रही हैं और आप खड़े खड़े देख रहे हो। आप पुलिस हो ना, जाके रोको उन्हें। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें जलन हो रही है। दोनों के पैर का अंगूठा बाजू की उंगली से छोटा है ना, देखो उंगली कितनी लंबी है। लगता है इसको भी ये लॉजिक पता है। कैसे नहीं मालूम होगा, इन दोनों की वजह से पूरा शहर एंटरटेन हो रहा है। क्या री, इतनी अकड़ के बात कर रही है? ऐसे ही करूंगी, तू क्या कर लेगी? हाँ तुझे तो मैं लड़ो लड़ो और सर, लड़ो। आपने असली रंग दिखाई दिया। अगर दो मवाली लड़ रहे होते तब भी आप ऐसा ही करते क्या? भाई अगर दो मवाली लड़ रहे होते तो 10 आदमियों को बुला के उनको काबू में कर लेता, लेकिन इन दोनों का कुछ नहीं कर सकता। मैं जाता हूँ, पुलिस बटालियन लेके आता हूँ। जाओ अपनी जान बचाओ। पुलिस बटालियन? मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे जरा हाथ तो लगा के दिखा। हे पूजा, अपनी हद में रह। अच्छा ऐसे बोलती रहेगी तो मेरा हाथ बोलेगा अब। अच्छा तो करके तो दिखा दे, बहुत पछताएगी। हे क्यारी, बाइक पे पिछवाड़ा उठा के बैठती है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैं सब समझ गई मैं। बासु कहीं मेरे प्यार में न पड़ जाए इसलिए इस बात से तू जलती है। मैं किसी से नहीं जलती हूँ। देख लिया काका, पहले दो लड़के आपस में लड़की के लिए झगड़ा करते थे, अब उल्टा लड़कियां लड़कों के लिए झगड़ा कर रही हैं। चाचा इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हाँ समझ नहीं आ रहा है, पापा ने तुझे भाड़े पे घर क्यों दिया? हाँ
मुझे घर भाड़े पे दिया और तुझे वासु भाड़े पे दिया। अरे पापी, और तो बीच रास्ते में मुझे नीलाम करवाओगी क्या? मेरी बात अच्छे से सुन ले, तुझे देख के भी वासु डरता है और वो मुझे पसंद करता है इसलिए मुझे बाइक पे लेके घूमता है। क्या बोला तूने? तुझे आज मैं दिखा दूं। अगर लड़कियों के पिताजी ने देख लिया तो वो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। हे भगवान। तू ऐसा कर रही है मेरे साथ? हाँ, मैंने कितनी बार तुझे समझाया उसके साथ बाहर मत जा कर, तुझे समझ नहीं आता क्या? होती कौन है समझाने वाली? मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो करूँ। हे, ये मेरा फैमिली फ्रेंड है। हे, ये कैसा फैमिली फ्रेंड है, अचानक पैदा हो गया क्या? चलो यहाँ से, रोड पे सीट मत करो, चलो मेरे साथ। तुम जाओ वासु, मैं आज इसे सीधी करके ही रहूंगी। अगर कोई लड़की किसी लड़के को आसानी से फंसा ले तो वो स्मार्ट हुई, लेकिन अगर बाकी लड़कियों की तरह सीधे मुद्दे पे आ जाए तो वो अलग कैसे? बार बार वही गलती दोहराए तो वो क्या हुई? तुम कहना क्या चाहती हो? अगर तुम कोई चीज बार बार करते हो, ना चाहते हुए भी उस चीज के साथ लगाव हो ही जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ गुस्सा ही है, जब भी मिले झगड़े ही होते हैं। तुम एक बात पता है, हम जिससे प्यार करते हैं उसी से सबसे ज्यादा लड़ते हैं। एक बार लड़ाई हुई ठीक है, लेकिन हर बार क्यों कर रही हो? अगर हमारा कैरेक्टर किसी से 50% पे मिल जाए तो दोस्ती हो जाती है, अगर उससे ज्यादा हो तो प्यार हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी और वासु की वेवलेंथ एक ही है, दोनों एक जैसे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कह रही, एक मिनट रुको। ये लो, वासु ने लिखा था, पढ़ लो इसे। अब मैं क्या करूं? जो करना है वो करो। हमेशा लड़ने झगड़ने के बाद भी तुम दोनों टाइटैनिक कपल बन गए हो, यंग लेडी। बाय। ये चिट्ठी तुम्हारे ऑफिस एड्रेस पर आई थी। अगर लड़कियों के पिताजी ने देख लिया तो वो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। हे भगवान। अरे जी, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? हे भगवान। बीजी जल्दी आओ बेटा, देखो पापा को क्या हो गया। बीजी देखो पापा? तुम्हारे पापा क्या हुआ? पापा, पापा? क्या हुआ, क्या हुआ जी? क्या हो गया आपको? बीजी जल्दी फोन कर। पापा ये लीजिए पापा। पापा क्या कर रहे हैं, जल्दी डॉक्टर को फोन कर। पापा, पापा क्या हो गया? पापा आप ठीक है ना? मैं हॉस्पिटल में फोन करती हूँ। हाँ जल्दी जा बेटा। हेलो। हेलो, इज इट विजय हॉस्पिटल? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। विजय हॉस्पिटल है? नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर है। मैं क्या करूं? क्या हो गया आपको? हेलो। हेलो, विजय हॉस्पिटल है? अरे मैडम रॉन्ग नंबर है, क्यों रात में डिस्टर्ब कर रही हो आप मुझे? सर मेरे पापा को कुछ हो गया है सर, वो बहुत सीरियस है, कब से हॉस्पिटल को फोन लगा रही हूँ। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल का फोन नंबर और आपके घर का एड्रेस दे दो, मैं अपने फोन से ट्राई करता हूँ। 248005 87 89 सर। क्या हो गया? प्रीमियर फ्लैट्स। जेड ब्लॉक फ्लैट नंबर 201। तुम हो? वासु मेरे पापा को कुछ हो गया है। वासु काहे का? वासु तुम्हारे पापा की सांस नहीं चल रही है क्या? चिटफंड में उनके पैसे डूब गए क्या? वासु हार्ट अटैक हो रहा है या बीपी है?
एम्बुलेंस को फोन करूँ क्या? ठीक है, करता हूँ हाँ, मुर्दा घर को फोन करता हूँ। हाँ जमावस है ना, बूढ़ों की आत्मा को शांति मिलेगी। चल फोन रख। हे, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया ना। बहुत बहुत थैंक्स, पापा हॉस्पिटल में ठीक हैं। सही वक्त पर तुमने मदद कर दी और पुरानी बातों को याद नहीं रखा। तुम्हें पता है वासु, बहुत सारी गलतफहमियों की वजह से हम एक दूसरे से नफरत करते थे। गलतफहमी की वजह से भागले वासु, भागले। हम बिना कारण ही एक दूसरे से नफरत करने लगे। मैंने तो कई बार अपनी नफरत तुम्हें दिखाई है, वो सब सिर्फ गलतफहमी की वजह से। मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिली। वो सिर्फ चिट्ठी नहीं है, वो तुम्हारे दिल से निकली हुई बात है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, शाम को 5 बजे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। विजी, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे दीवार से बात क्यों कर रही हो? पापा तो ठीक है ना? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? विजी, तुमसे पूछ रही हूँ, बिना जवाब दिए इधर उधर क्यों देख रही हो तुम? क्या हुआ विजी, किसे ढूंढ रही हो? माली, मेरी बाइक की जगह पर इतनी भीड़ क्यों है? एनी प्रॉब्लम? वासु, विजी अकेले में बात कर रही है, वो भी दीवार से बात कर रही है। अरे बाप रे, अब क्या करें? मेंटल हॉस्पिटल में फोन करें क्या? नो 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 नो, जब आदमी अकेले में बात करता है तब उसे वहाँ भेजते हैं। और अगर औरत बात करे तो क्या? इसका मतलब जल्दी वो किसी आदमी को वहाँ भेजने वाली है। हा? वासु निकल यहाँ से। अरे मैंने पंडित जी को बुलाया है, अगर उससे काम नहीं बना तो तांत्रिक को बुलाऊंगा मैं। आओ बहन। हम कैसे हैं ये भी नहीं पूछोगे क्या? अरे जब मेरे खुद की लगी पड़ी है तो मैं दूसरों का हाल क्या पूछूंगा? दिल रखने के लिए तो पूछ सकते हो ना। मैंने जो सुना वो सच है क्या? एकदम सच है। सामने आके कोई हमला करे तो पता चले, लेकिन बाली को जैसे पीछे से मारा था ना वैसा हमला करता है। चलो छोड़ो, जाने दो। आप लोग अचानक कैसे आ गए? अपने बेटे गणेश की शादी के सिलसिले में आए हैं। ऐसा क्या, कैसे हो गणेश? चुपचाप खड़े हो हैं? लड़की कहाँ की है? चेन्नई से है। चेन्नई की हो या मुंबई की? लड़की पसंद आ गई, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। वासु कैसा है? बहुत अच्छा लड़का है, तकलीफ नहीं देता है मुझे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वासु का ही फ्लैट है। आप लोग फ्रेश हो जाइए, वासु ऑफिस से आता ही होगा। इसने तो घर सजा के रखा है माँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। Thank you.
क्या बोल रही हो माँ? तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे बेटी। मैंने पूछा सर, वो आपसे ही मिलने आई है। कौन सी लड़की आई है? कौन है? छी, ये है क्या? मैं उसे नहीं जानता। उसको जाके बोलो कल सुबह 9:30 बजे आके मुझसे मिले, मेरी इमेज स्पॉइल हो जाएगी। हे, इमेज स्पॉइल हो जाएगी, ऐसा बोलना। ठीक है सर, बोल दूंगा। सर ने कहा वो तुम्हें नहीं जानते हैं, उनसे सुबह आके मिलना वरना उनकी इमेज स्पॉइल हो जाएगी, ऐसा बोला है मेरे को। क्या कहा? नहीं पहचानते? मुझसे मिलेंगे तो सर की इमेज खराब हो जाएगी। ओके। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, प्यार से मुझे विजय कहते हैं। पापा का नाम है नारायण स्वामी नायडू, उन्हें बोलो वो मुंबई से हैं और मुझे मालूम है। इतना बोलने के बाद भी अगर नहीं पहचाना तो क्या? उनके भाई को जेल पहुंचाने वाली लड़की आई है, ऐसा बोल देना। है? जेल पहुंचाने वाली? अरे सर सर सर, सुनो लफड़ा है। क्या सर, क्या बोली वो? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, सब प्यार से मुझे विजय बुलाते हैं, डॉटर ऑफ नारायण स्वामी नायडू, और मैं मुंबई से हूँ, ऐसा ही बोला ना? ऐसा बोला। उसको बोल दो मैंने नहीं पहचाना। सर उसने कुछ और भी बोला है। क्या बोला? कि आपके भाई को जेल पहुंचाने वाली लड़की को एक बार ठीक से याद कर लीजिए, जाकर आप उससे मिल लो सर, वरना अंदर आके पता नहीं क्या क्या खोल देगी। ए, तू किसका वॉचमैन है, कंपनी का या विजिटर का? जा यहां से। मेरी तो नौकरी जाएगी ऐसा लग रहा है। देखो बहन, मेरी बात सुनो, मैं परिवार वाला आदमी हूँ बहन, मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो, तुम जाओ। थैंक्स, अब मैं जाती हूँ। हेलो मिस श्रीरंगम, एक्सक्यूज मी, विजी अलियास विजय लक्ष्मी, डॉटर ऑफ नारायण स्वामी नायडू। बाप रे, परिवार का नाम रोशन करेगी। कोर्ट में जैसे आवाज देते हैं वैसे ही इसको सुनाई देता है। हाँ, सुना है कि तुम्हें मुझसे कुछ काम था, लेकिन मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। कौन हो तुम? तुमको किस लिए मिलना था? तो मुझे नहीं जानते? तो अरे, तुम मुझे नहीं जानते है ना? बताओ, नहीं जानते ना? चलो अच्छा है किसी ने देखा नहीं। अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, कल मुझे वो लोग देखने आ रहे हैं। मैं शादी के लिए हाँ बोलूं या फिर ना बोलूं, तुम बताओ। लगता है तुम्हारे घर में हर कोई पागल है। मेरे परिवार वालों को कुछ मत कहो। और नहीं तो क्या? अगर पसंद है तो हाँ बोल दो, नहीं है तो फिर मना कर दो। किसी से शादी करने के लिए भला तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? हा? कोई और नहीं है मुझसे शादी करने के लिए, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मजाक कर रही हो क्या? तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है वासु, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अगर ये बात मेरा बाप सुनेगा ना तो मुझे चप्पल से मारेगा। तो उनसे पूछ ही क्यों रहे हो? हम भाग के शादी कर लेते हैं ना, और एक बच्चा होने के बाद उनसे मिलने आएंगे तो तुम्हारे पापा माफ कर देंगे। हाँ तो ऐसा लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए हैं। ए इज्जत से बात करो। अरे तुम्हारे परिवार की काहे की इज्जत, मैं तुम्हारी वजह से मुंबई से यहाँ पर आया हूँ, और जब से तुमसे मिला हूँ ना शनिदेव कुंडली मार के बैठ गए मुझ पे। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते है ना? मौत को भला कोई गले लगा सकता है क्या? तो फिर ये क्या है बताओ? हाँ प्यारी विजी, तुम और मैं, अरे ये तो लव लेटर है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास ही है क्या? मेरे पास भी तो है ना। ये पकड़ो।
मेरे प्यारे वासु, तुम और मैं एक दूसरे के साथ। किसने लिखा है ये लेटर? मुझसे पूछ रही हो क्या? मुझे लव लेटर लिख के नीचे अपना नाम लिख कर मेरे ही एड्रेस पर सेंड करके मुझे फंसाना चाहती हो क्या? अरे वाह, तुम कोई ऋतिक रोशन नहीं हो और ना ही मैं कंगना तुम्हें फंसाने के लिए। ए, कंपेयर करने के लिए कोई और मिला नहीं क्या? तुम्हारे औकात वाले से कंपेयर करूं? देखो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरा पीछा छोड़ो। ओहो, तो एक बात बताओ, मुझे जलाने के लिए तुम उस पूजा को गले लगाते हो, उसके साथ डांस करते हो, और वो भी ऐसे ऐसे ऐसे? मैं अपने दिल की बात कह दूं इसीलिए ना? देखो विजी, हम मर्द ना, अगर लड़की गले लगाई तो गले भी लग जाएंगे, और अगर वो सोने को बोलेगी ना तो सो भी जाएंगे। तुम्हें ये सारी बातें एक्सप्लेन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? तो मेरे पापा को बचाने के लिए तुम क्यों आए? मेरे परिवार की परंपरा है, जरूरत के वक्त हम अपने दुश्मन की भी मदद करते हैं, समझ गई? तो फिर मेरा दुपट्टा अभी तक अपने पास क्यों रखा है? लौटाया क्यों नहीं? तुमने मांगा नहीं तो मैंने दिया नहीं, बाइक पहुँचने के काम आता है वो। लो पकड़ो, कोई लगाव नहीं है जो दिल से लगा के रखूं। ओ, सपने देखता रहे, चप्पल से मारूं तुझे। इज्जत में रहना। तू इज्जत के लायक है क्या? हाँ तो जा ना। मैं क्यों जाऊं? तू जा यहाँ से। तू है कौन? मुझे बताने वाला कौन है तू? अरे भाड़ में जा, मुझे क्या करना है। रात अकेली है, है? क्या है रे, इतनी रात को मेरे एरिया में मुझे बताए बिना बहन लेके घूम रहा है? आ? आ? सर, आप हो? ए, बहन किसको बोला तूने? तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। ये तो अंगूठे वाली है। कुछ नहीं माँ, मैं तो ये कह रहा था कि ऐसे बीच रास्ते में आधी रात के समय मियाँ बीवी झगड़ते अच्छे नहीं लगते, आप घर चले जाओ। हम मियाँ बीवी है, ऐसा तुमसे किसने कहा? रात को लोगों के घर में चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने के बजाय यहाँ पंचायत कर रहा है तू? चल निकल यहाँ से। हाँ, निकल। खड़ा होके सुन क्या रहा है, निकलता है कि नहीं यहाँ से? आप जाइए ना सर, जाइए यहाँ से। हाँ जाइए सर, पुलिस में जाके कंप्लेन करूँगा। बेशर्म कहीं का। क्या कमाल की लड़की है यार। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? ये बात ना मुंबई में बोलनी चाहिए थी, अपने बाप के सामने। क्यों? आप क्यों नहीं? तुम्हारे प्यार पे मुझे तो भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तब कहती जब मैं मुंबई में लफंगा था, मेरा दर्द समझकर मुझे सहारा देती तब मैं समझता, क्योंकि उस समय मुझे सहारे की ज्यादा जरूरत थी। अभी क्या, अब जब मैं सेटल हो गया तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? हा? प्यार का झांसा देके मुझसे शादी करके अपना भविष्य सिक्योर करना है क्या? मुझसे प्यार करती हो तो तभी कहना चाहिए था जब मैं कुछ भी नहीं था। अगर हिम्मत थी तो तभी बोलना चाहिए था ना मुझसे, तो मैं भी कहता कि पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा, और वही होता है असली प्यार। पहली नजर में तुझसे प्यार हो जाए, तू क्या शाहरुख है? तुम भी कोई करीना कपूर नहीं हो जो तुमसे शादी कर लूँ। हाँ नहीं हूँ, पर मेरा प्यार सच्चा है। तुमने मेरी, मेरे पापा की, मेरे परिवार वालों की इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुमसे कभी दूर नहीं हुई, सही है ना? मैं तुम्हें किसी और लड़की की कमर में हाथ डालकर नाचते हुए नहीं देख सकती हूँ, समझ गए? बीच रास्ते में मैंने उसके बाल खींचे, उसके साथ झगड़ा किया सिर्फ तुम्हारे लिए, और बाद में पागलों की तरह दीवारों से बात भी की। सारे लोग खड़े होकर मुझ पर हंस रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, नहीं पता था। और इस वक्त देखो, यहाँ रात को, आधी रात को रोड पर, रात के 11:30 बजे तुमसे भीख मांग रही हूँ। अगर यही प्यार है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सच है। लेकिन तुम मेरे सच्चे प्यार को सिक्योर कह रहे हो, सेल्फिश कह रहे हो। तुमने मेरे प्यार को एक नया नाम दे दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। अब अगर मेरे पास आओगे ना, भीख मांगोगे ना, तब भी मैं नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी, देखना। अरे जाओ जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे लिए मैं मरा थोड़ी जा रहा हूँ। यहाँ से सीधे निकल जाओ, आगे बीच है, बे ऑफ बंगाल। बढ़िया ही प्यार करने वाले। चलो कम से कम तुमसे मेरा पीछा तो छूट गया। Thank you.
कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। बच्चों की तरक्की देखकर माँ बाप को बहुत खुशी होती है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। गणेश की शादी करने के लिए सोच रहा था। आप जो फैसला करेंगे वही सही होगा, इसमें मुझसे क्या पूछना? पुराना वासु होता तो मैं कभी नहीं पूछता। जब कोई भी बाप अपने बेटे से कोई सलाह लेना चाहता है तो इसका मतलब है कि बेटे के ऊपर बाप को बहुत ही भरोसा होने लगा है। पापा, आप मुझसे खुश तो हैं ना पापा? आपको लगता है कि मैं सही फैसला लेने के काबिल हूँ पापा? बोलो बेटा। मैं विजी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ पापा, पर जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने मना कर दिया पापा। मुझे लगा अगर आपसे बिना पूछे मैं उसको हाँ कर दूंगा तो आप मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे, ये सोचकर मैंने उसे मना कर दिया। ये क्या पागल की तरह बोल रहा है तू? मुझे पागल समझोगे तो भी चलेगा पापा, मैं अपने प्यार को भूलकर अजनबी बीवी से भी प्यार करना सीख जाऊंगा, लेकिन मैं आपके माँ के और भाई के बिना नहीं रह सकता। वासु, वासु, वासु। ए, इधर है। मेरी बेटी किधर है? बता मेरी बेटी किधर है? बता मेरी बेटी कहाँ है? जल्दी से चल, बता बता मुझे कहाँ छुपा के रखा है मेरी बेटी को? बताता क्यों नहीं है? कहाँ है मेरी बेटी? बता कहाँ है मेरी बेटी? सुनिए सुनिए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। क्या है बेटा, कौन है ये? ये विजी के पापा हैं। भाई साहब थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरा बेटा आपकी बेटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी नहीं। ए वासु, इनकी बेटी चाहे जहां कहीं भी हो उसको ढूंढ कर लाना तेरी जिम्मेदारी है, समझा? अब जा। आप थोड़ा धीरज रखिए, आपकी बेटी को ये लेकर ही आएगा। अरे ये तो वही है, वही कड़क वाली। समंदर किनारे क्या कर रही है तू? अरे किसी का वेट कर रही है क्या? हमारे पास आजा बेबी। अरे पकड़ पकड़ इसको, भागने ना पाए। रोक रोक, रोक भाग रही है, रोक, छोड़ना मत इसे। ए ए रुक जाओ, रुक। ए कहाँ भाग रही है? ए रुक। Hey! Look! Vijay! Vijay! अंदर गई है वो, अंदर छोड़ना मत उसे। Thank you.
छोड़ इसको, छोड़ना। ए, मार इसे। छोड़ बोला ना। दरवाजा खोल दे। विजय चलो। हाँ छोड़ो मेरा। विजय चलो। मैं नहीं आऊंगी। विजय अच्छा ये नाटक बाद में कर लेना, अभी चलो यहाँ से। तुम्हारे पापा वहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो मुझे ले जाने वाले तुम कौन होते हो? हाँ वासु। वासु हा, मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही तुम्हें पहचानती हूँ। अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। देखो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने सोचा अपने माँ बाप के साथ तुम्हारे घर आके तुम्हें सरप्राइज दूंगा। किसी को लेके आने की जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। मुझे कहा था ना कि जानते नहीं पहचानते नहीं हो, और अब आ गए बहादुरी दिखाने। अरे बापरे विजय तुम्हारी इज्जत लूट जाएगी। निकलो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, गर्भवती हो गई तो? तो बच्चे के नामकरण पे आ जाना, अभी यहाँ से निकलो। सच कह रही हो, ठीक है मैं दरवाजा खोल देता हूँ। सॉरी बॉस मेरी गलती हो गई, तुम लोगों का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारा एम तुम्हारा एम्बिशन सब कंटिन्यू करो। अब तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। चलता हूँ भाई। हाँ, 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 यहाँ से जाओ, वहाँ देख भाई इसका अंगूठा इसकी उंगली से छोटा है। अरे रुको, तुम्हारा प्लान हमारी समझ में आ गया है, किसी को मारना वारना है बता दो, हम सब मिलके मार देंगे, लेकिन तुम पैसे भी दोगे तो भी हम इस माता को नहीं छुएंगे। माता बाप। अरे अरे भाई, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, सुनो तो। अरे सुनो कहाँ जा रहे हो। देखो विजी अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जब इतने सारे गुंडे अकेली लड़की को देखकर भाग गए तो मुझ जैसे अकेले की भला क्या मजा। संभाल के। नहीं मेरा मतलब तुम्हारी लंबी उंगली देखकर मवाली भी भाग गए। अब तो एक बात पक्की हो गई है कि तुम पूरी तरह से सेफ हो, मैं जाके तुम्हारे पापा को बताता हूँ। चलता हूँ। अरे नहीं इधर से, तुम्हें तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन मेरा क्या। आयुर्वेदा हसीना दिल को तूने छीना। विजय वासु। बाप रे वासु क्या हुआ वासु, बैठो वासु। क्या हुआ तुम्हें वासु? तुमने बोला कि तुम मुझे नहीं जानती तो एक अजनबी से मैं क्या कहूंगा। I'm sorry वासु, वासु मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे पगली अभी प्यार करने से क्या मिल जाएगा। अरे पगली ऊपर से मुझे मेरे दादा बुला रहे हैं। नहीं 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 वासु मैं तुम्हें बचा लूंगी, डोंट वरी। बचा लो मुझे, बचा लो आराम से। जल्दी जल्दी चलो वासु। नीचे बैठो वासु। तुम्हें तो विजय विजय नहीं कहाँ भाग रहे हो। विजय विजय क्या कर रही हो? अभी बता दूँ। मैं तो मजाक कर रहा था विजय। सॉरी विजय रुको, गलती हो गई विजय। अरे कहाँ